अभिषेक जी, जैसा कि आपने कहा, कोई भूमिका बिना बांधे ही हमें सीधा सीधा आगे बढ़ना है। सीधा सीधा ही हम रुक करते हैं। सबसे पहले हमने पिछले क्लास में जो जिसकी चर्चा की थी, जिंदगी नामा के संदर्भ में पहली दो इकाई जो है उसमें हमने कृष्णा सेवती के व्यक्तित्व, कृतित्व और जिंदगी नाम, उनके जिंदगी नामा की जो प्रमुख उपन्यास उनका है जिंदगी नामा, उसकी कथा वस्तु और अंतर्वस्तु और शिल्प, इसके संदर्भ में हमने चर्चा की थी। मैं एक पहली बात ये दोहराना चाहूंगा, किसी विद्यार्थी मित्र ने उस दिन मुझसे पूछा था, वहीं से हम शुरू करते हैं, कि सर ये उपन्यास जो है, शायद मुझे जहां तक याद है ग्लोरी जनसन नाम की एक लड़की है, उन्होंने शायद पूछा था कि सर ये उपन्यास आंचलिक है या नहीं। तो मैंने कहा था ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास भी है। फिर मैंने कई पुस्तकों का अध्ययन किया और इसी का जो नोट जब नोट्स पढ़ा पढ़ा तो दो चीजें मेरे दिमाग में सामने आई। एक तो ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास भी है और दूसरी ये है ये सांस्कृतिक आंचलिक उपन्यास भी है। कुछ हद तक इसे आप आंचलिक उपन्यास भी मान सकते हैं। ये निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आंचलिक उपन्यास के सारे गुण भले ही इसमें ना हो, लेकिन बहुत सारे गुण हैं। सारे और बहुत सारे में अंतर आप समझ जाइए। इसे आप अगर आंचलिक उपन्यास की कोटि में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे कि लिंग निर्णय के संदर्भ में हिंदी में रामायण, रामायण का पुल्लिंग में भी रख सकते हैं और स्त्रीलिंग में भी रख सकते हैं। जैसे कि विनय, ये भी पुल्लिंग में है और ये स्त्रीलिंग में है। तो इसी प्रकार इसे आप चाहें तो आंचलिक उपन्यास की कोटि में रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले दो इकाइयों में आप जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोवती के रचनात्मक व्यक्तित्व से परिचित होकर जिंदगी नामा उपन्यास की कथा वस्तु से गुजर चुके हैं मेरे मित्रों। अब इस इकाई में अब जिंदगी नामा उपन्यास के कुछ और जरूरी पहलुओं का अध्ययन करेंगे और ये अध्ययन करना भी जरूरी है। कौन कौन से पहलू हैं जिसका अध्ययन हमें इस इकाई में करने हैं। किसी उपन्यास में, विशेषतः आज के उपन्यास में, आज के दौर के जो उपन्यास हैं उसमें कथा वस्तु से भी अधिक लेखक और पाठक का ध्यान उपन्यास के चरित्रों पर केंद्रित रहता है, क्योंकि चरित्र ही उपन्यास को आगे ले जाते हैं। चरित्र के माध्यम से ही एक दृष्टि, जीवन दृष्टि जिसे कहते हैं, लेखक या उपन्यासकार की जो जीवन दृष्टि होती है वह उसे व्यापकता मिलती है, या वो दृष्टि विकसित होती है या फिर प्रकटित होती है। उपन्यास में अपने चरित्रों की सृष्टि में लेखक, यहाँ लेखिका खूब रमी रही है। औपन्यासिक चरित्रों की रूपरेखाएं पहचानने की ओर उनकी अधिक रुचि है, जिससे कि आज हम जानें कि किस प्रकार उपन्यास आगे बढ़ा। उपन्यास में चरित्र सृष्टि और कथा का संयोजन करते हुए जाने माने, जाने अनजाने में लेखक अपनी भीतरी जीवन दृष्टि का परिचय देता है। देखिए, चरित्र के माध्यम से लेखक क्या करता है ना, अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है। जैसे कि आप देखिए, गोदान का चरित्र होरी जो है वो होरी नहीं है, वो जीवन दृष्टि है, प्रेमचंद की जीवन दृष्टि है। मैलांचल का बावन दास जो है वो बावन दास नहीं है, ये रेणु की जीवन दृष्टि है। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हुए चरित्र के माध्यम से इस उपन्यास को आगे ले जाएंगे। यह जीवन दृष्टि जीवन अनुभवों से अपनाया अनायास ही प्राप्त होती है। ये ऐसा नहीं है, ऐसे जीवन दृष्टि प्राप्त नहीं होती। आपने देखा होगा प्रेमचंद के उपन्यास के संदर्भ में हम अगर बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा सेवा सदन, निर्मला, इन उपन्यासों को देखिए और गोदान को देखिए। जैसे जैसे जीवन का अनुभव विकसित होता है वैसे वैसे जीवन दृष्टि विकसित होती है, उसे व्यापक फलक मिलता है। जीवन अनुभव के संयोग से और अध्ययन से, क्योंकि अध्ययन बहुत बड़ी चीज है, जो साहित्यकार होते हैं वो या तो अध्ययन करते हैं या सत्संग करते हैं, या मध्यकाल में जाइए उन जो कवि
संत कवि हुए, उन्होंने अध्ययन नहीं किया लेकिन उन्होंने सत्संगति की। सत्संगति का मतलब आलोचना, गोष्ठी, संगोष्ठी जिसे आज के पूर्व जमाने में आप कह सकते हैं। तो इससे उनका जीवन अनुभव आगे बढ़ा। उपन्यास के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारी जीवन दृष्टि एक निश्चित दिशा की ओर, और हमारे अनुभव जैसे जैसे बढ़ता है जीवन दृष्टि वैसी वैसी विकसित होती चली जाती है। जिंदगी नामा उपन्यास के संदर्भ में चरित्र सृष्टि का अध्ययन काफी रोमांचकर है। क्यों रोमांचकर है? क्योंकि इस उपन्यास में पारंपरिक रूप में नायक नायिका का अन्य पात्रों का सृजन नहीं हुआ। देखिए उपन्यास के छह तत्व माने जाते हैं, हम आगे बताएंगे ये छह तत्व कौन है पारंपरिक तौर पर, लेकिन यहाँ वे सारे तत्व हैं या नहीं है, आधुनिक उपन्यास में क्या किसकी मांग होती है, इसकी चर्चा होगी। सबसे पहले इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों की पहचान करना, उसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है जिसके इर्द गिर्द ही उपन्यास आगे बढ़ता है, इस उपन्यास की कथा आगे बढ़ती है, जिसके माध्यम से कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास उपन्यासकार करती हैं। उपन्यास देखिए जिंदगी नामा एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। एक मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि महाकाव्यात्मक उपन्यास, महाकाव्य में जो गुण हुए वे सारे गुण आज के जमाने में जो गद्य की विधा विकसित हुई उसमें जब उपन्यास का सृजन हुआ तब उसमें वे सारे गुण महाकाव्यात्मक उपन्यास यानी महाकाव्य के वे सारे गुण उपन्यास में आ गए, यूं कहिए कि उससे बढ़कर। क्योंकि जिन जटिलताओं को समाविष्ट करने की क्षमता महाकाव्य में नहीं है, आधुनिक जटिलताओं को, वे सारे गुण उपन्यास में है। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि उपन्यास में चरित्रों की संख्या इस उपन्यास में 2, 4, 10, 20 नहीं है, बहुत अधिक है। क्योंकि ये उपन्यास में बहुत सारे चरित्र हैं, लेकिन इनमें से जो प्रमुख चरित्र हैं जिन्हें लेकर ये उपन्यास की कथा आगे बढ़ती है, जो चरित्र इस उपन्यास को गति प्रदान करते हैं, हम उन्हीं चरित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। उपन्यास जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि इसे आप आंचलिक उपन्यास भी कह सकते हैं, ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास भी कह सकते हैं। इस उपन्यास का केंद्र स्थल जो गांव है जिसका नाम है डेरा जट्टा, डेरा जट्टा गांव को केंद्र में रखकर इस उपन्यास का सृजन हुआ है। आप जानिए, आप ये जो डेरा जट्टा गांव है ये अपने आप में एक केंद्रीय पात्र प्रतीत होता है। ये गांव है लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर सारी घटनाएं इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में डेरा जट्टा गांव में एक परिवार रहता है जिसका नाम, जिस परिवार का नाम है साहा परिवार। जिस साहा परिवार इस कथा को आगे ले जाने में बहुत मदद करता है, उसमें साहा परिवार में बड़े साहा, उनकी पत्नी, बाद में उनका बेटा लाली, गांव की लड़की रावैया, ये सब सम्मिलित हैं। जिंदगी नाम उपन्यास को हिंदी पाठक जगत में काफी लोकप्रियता प्राप्त है, बहुत लोकप्रियता अर्जित है। इसकी चर्चा हमने पिछले अध्याय में, पिछली क्लास में, पिछली कक्षा में की थी, जिसमें हमने बताया था क्यों ने व्यापक लोकप्रियता हासिल होने के पीछे क्या कारण है, ये चर्चा हमने की थी। बावजूद इस बात के इसकी भाषा में पंजाबीपन है, लोगों को जो पंजाबी भाषा से परिचित नहीं है उन्हें इस हिंदी उपन्यास को पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं क्योंकि संप्रेषणीयता नहीं बन पाती। फिर भी जो उसमें उन्होंने जो खोल कर रखा है अपने जीवन अनुभव को कृष्णा सेवती ने, उसी के चलते उसे समझने में काफी सहूलियत होती है। सिर्फ जिंदगी नामा ही नहीं वरन कृष्णा सेवती के प्राय सभी उपन्यासों को पाठकों में स्वीकृति प्राप्त है। जैसे कि हमने बताया है अपनी प्राय सभी रचनाओं में लेखिका ने जहां एक ओर अपने स्त्री चरित्रों को उजागर किया और उस उन स्त्री चरित्रों को अतिरिक्त संवेदना के साथ, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, अतिरिक्त संवेदना के साथ, इसीलिए हिंदी साहित्य, हिंदी का जो गद्य साहित्य लिखा गया जिसके लेखक रामचंद्र तिवारी हैं, उन्होंने उपन्यास का विभाजन करते हुए ये लिखा
हिंदी के महिला उपन्यासकार या महिला कथाकार, क्योंकि एक तो ये नारी के द्वारा नारी कथा व्यथा को चित्रित करने वाले रचनाकार हैं, इसीलिए, क्योंकि मैंने कहा जीवन अनुभव जिसका जितना अधिक होगा वो उतना संप्रेषण क्षमता उसमें उतनी अधिक होगी। पुरुषों ने नारी के मन की अंतर्मन की व्यथा जरूर लिखी है, लेकिन एक पुरुष का लिखना और एक नारी होकर एक नारी स्वयं नारी की मनोव्यथा को चित्रित करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक चीजों को आप देखें और किसी से सुने, ये दो विपरीत दिशाएं हैं, विपरीत स्थितियां हैं। इसीलिए कृष्णा शेवती नारी हैं और नारी मनोव्यथा को वह अच्छी तरह जानती हैं, समझती हैं, टटोलती भी हैं और इसे संजोती भी हैं। अतिरिक्त संवेदना के साथ उन्होंने चरित्र नारी चरित्रों को उजागर किया। आगे देखेंगे साहनी में, रावैया में, ये सारे सारी बातें आएंगी। लेखिका की जीवन दृष्टि एक प्रखर मानवतावादी जीवन दृष्टि है और प्रतिरोध करने वाली जीवन दृष्टि का स्वरूप ग्रहण करती है। जिंदगी नामा के संदर्भ में इस प्रखर दृष्टि का और अधिक व्यापक महत्व है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी गूंज भी इस उपन्यास में सुनाई पड़ती है, इसीलिए इसे आप किसी भी तरह मूल्यांकन कीजिए, आप उसे आंचलिक कहिए, सांस्कृतिक ऐतिहासिक कहिए या आंचलिक सांस्कृतिक उपन्यास कहिए, तीनों जगह पर ये फिट होती है, क्योंकि ये इसी की, देखिए लेखक की कैसी चातुरी है कि आप एक दक्षिण में एक संस्कृत का काव्य है, आप इधर से पढ़ेंगे वो राम काव्य है और उधर से उल्टा कर पढ़ेंगे तो वो कृष्ण काव्य है अक्षर से। तो इसी प्रकार इन ये कला चातुर्य है कि आप उसे सांस्कृतिक उपन्यास कहें तो भी सही है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक कहें तो भी सही है, आंचलिक सांस्कृतिक आंचलिक कहें तो भी सही है। ये उनकी कला चा नैपुण्य का निदर्शन है, ये उनकी कला चातुर्य का प्रमाण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरित्र सृष्टि और जीवन दृष्टि का क्या महत्व है, उपन्यास में चरित्र का क्या महत्व है और लेखक या उपन्यासकार की जो जीवन दृष्टि है उसका क्या महत्व है। औपन्यासिक संरचना के पारंपरिक विश्लेषण में छह चीजें आती थी, जो तत्व होते थे उपन्यास के, तत्व माने जाते थे पारंपरिक उपन्यास के तत्व, आज भी माने जाते हैं, वे हैं कथा वस्तु, चरित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल, वातावरण और उद्देश्य। ये छह चीज महत्वपूर्ण मानी जाती हैं पारंपरिक उपन्यास के तत्व में। लेकिन आज की उपन्यास के संदर्भ में इनके ये चीजें तो है, इससे अलग और क्या चीजें हैं या इसे कैसे तीन चार चीजों में समाहित कर दी गई है, इसकी चर्चा हम करते हैं। बहुत बड़े साहित्यकार, चिंतक, अंग्रेज विद्वान E.M. थर्स्टर, उन्होंने उपन्यास के पक्ष, उनकी एक पुस्तक है उसके अंतर्गत उन्होंने उपन्यास के तत्वों के बारे में चर्चा की है। उन्होंने बताया कि अंतर्वस्तु, चरित्रांकन और परिवेश। अंतर्वस्तु हमने बताया था, अंतर्वस्तु क्या है, और चरित्र चित्रण, चरित्रांकन और परिवेश, ये तीनों तत्व जो है उपन्यास के लिए महत्वपूर्ण है। बिना अंतर्वस्तु के कथा आगे नहीं बढ़ सकती, बिना चरित्र के उसे जामा पहनाने वाला, कथा को जामा पहनाने वाला कोई नहीं है, और परिवेश, परिवेश भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप मान लीजिए ऐतिहासिक उपन्यास लिख रहे हैं और बुद्ध जमाने का उपन्यास लिख रहे हैं और आप परिवेश चित्रित कर रहे हैं, पार्क में लोग घूम रहे हैं, तो वो उपन्यास उपन्यास नहीं है। उसमें आपको उद्यान का चित्रण करना होगा, आपको वाटिकाओं का चित्रण करना होगा, वो परिवेश की मांग है। आगे और एक महत्वपूर्ण विद्वान जॉर्ज लुकाच और लास्ट राल्फ जार सॉरी जॉर्ज लुकाच, ये लिखते हैं कि उपन्यास की विश्व सृष्टि या जीवन दृष्टि को भी उपन्यास के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। जीवन दृष्टि और विश्व सृष्टि, जिसकी दृष्टि नहीं है, जिसका विजन नहीं है, इसीलिए कहा जाता है जो साहित्यकार होता है, जो चिंतक होता है, जो उपन्यासकार होता है, वो
ब्रह्मा होता है, कबीरेव प्रजापति, एक नई दुनिया को सृजन करने की क्षमता उसमें होती है। कैसे होती है? उसके पास दृष्टि होती है तब होती है, क्योंकि कहा जाता है जहां तक ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि का अर्थ साहित्यकार, अब साहित्यकार ही मान लीजिए। इसीलिए वो जीवन दृष्टि अपेक्षित है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक काल के उपन्यास में, जब हम आधुनिक काल के उपन्यास का विश्लेषण करते हैं, मुख्यतः उपन्यास की कथा वस्तु, उसकी अंतर वस्तु, उसका चरित्रण, उसका परिवेश, जीवन दृष्टि, इन चीजों की चर्चा निहायत जरूरी है, अनिवार्य है। इसके बिना उपन्यास की तह तक पहुंचना, उपन्यास का तलस्पर्शी चित्रण करना, उसे समझना हमारे बस की बात नहीं है। रही बात, कई बार हम ये देखते हैं इस जो जो चरित्र चित्रण है, अंतर वस्तु है, परिवेश है, जीवन दृष्टि है, उसे हम समेकित रूप से सबके सामने लाते हैं, यानी एक गुच्छा बनाकर लाते हैं। कभी कभी अलग अलग तरह उसे परोसते हैं, या कभी हम खिचड़ी बनाते हैं, या फिर कभी अलग अलग व्यंजनों की तरह परोस देते हैं। यह हमारा साहित्यकार पर निर्भर करता है, रचनाकार पर निर्भर करता है, लेकिन स्वाद अलग अलग परोसने में है, एक साथ परोसने में नहीं है। देखिए, रही बात ये कि चरित्र और चरित्रांकन, जहां तक हम चरित्र चित्रण की बात कर रहे हैं, चरित्र और चरित्रांकन जो है ये उपन्यास का महत्वपूर्ण पक्ष है। क्यों? क्योंकि यद्यपि कथा उपन्यास की आधारभूमि है, बिना कथा उपन्यास आगे नहीं बढ़ सकता, किंतु उपन्यास रचना के लिए, उपन्यास रचना के पहले कथा के साथ साथ चरित्र की आवश्यकता है। बिना चरित्र के कथा आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे अंतर वस्तु और कथा शिल्प में हमने कहा था कि शरीर और आत्मा का संबंध है, कथा और चरित्र में भी वही दशा। कथा को गति देने वाले जो हैं वे चरित्र ही हैं। इसलिए पहले पहले जो उपन्यास हुआ करते थे वे चरित्र प्रधान उपन्यास हुआ करते थे। कई बार तो चरित्रों को केंद्र में रखकर उपन्यास रचा जाता था, और चरित्र ही अपनी कथा को उपन्यास की कथा में ढालता था। बहुत से पाठक भी उपन्यास के चरित्र से प्रभावित होकर उसे पढ़ते हैं। आपने फिल्म दे मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपने कई फिल्में देखी होंगी, देवदास भी देखी है, शरतचंद्र की प्रसिद्ध रचना, शरतचंद्र का यह प्रसिद्ध उपन्यास है, उसमें हम देवदास के चरित्र से प्रेरित होकर उस उपन्यास को पढ़ते हैं या फिल्म देखते हैं। तो ये चरित्र भी कभी कभी पाठक को प्रेरित करता है कि नहीं, इसे हमें पढ़ना है, इसे इससे हमें जुड़ना है। सबसे महत्वपूर्ण और एक बात है कि बहुत यहां तक आप देखेंगे कि कई उपन्यास के शीर्षक भी चरित्र पर फोकस बनाकर ही उसका निर्णय होता है। कृष्णा श्रोती के ही अन्य उपन्यास शीर्षक हैं, जैसे मित्रों मरजानी। इसके जो चरित्र मित्रों मरजानी जो है वो भी एक चरित्र का नाम है जिसकी हमने चर्चा की थी। इसके अलावा आप और कई उपन्यास देखिए, अज्ञेय जी का शेखर एक जीवनी, जैनेन्द्र कुमार का सुनी, जैनेन्द्र कुमार के सुनीता, कल्याणी आदि उपन्यास भी चरित्र प्रधान है। इसमें चरित्र प्रधान यानी चरित्र को आधार बनाकर कथा आगे बढ़ी है। ये मनोवैज्ञानिक है, चरित्र प्रधान नहीं है, मनोवैज्ञानिक है, लेकिन कथा जो है इन चरित्रों को लेकर आगे बढ़ी है। विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय का एक प्रसिद्ध उपन्यास है, अन्ना केरेनिना। इस उपन्यास भी चरित्र को केंद्र में रखकर इस उपन्यास की रचना की गई है। इसी प्रकार उपन्यास तथा उपन्यासकार की विषय दृष्टि या जीवन दृष्टि को उपन्यास के माध्यम से विश्लेषित करना, समझना उपन्यास के वस्तु विश्लेषण का एक जरूरी अंग है। पात्रों के माध्यम से उपन्यास और उपन्यास जो उपन्यासकार है उसकी क्या जीवन दृष्टि है उसे बता समझना आसान है। प्रेमचंद के बारे में देखिए,
गोदान में प्रेमचंद की जो जीवन दृष्टि है वो होरी के माध्यम से प्रकट होता है। कितना सीधा साधा भोला है, लोग उसे ठग लेते हैं। ये जीवन दृष्टि है। प्रेमचंद इसी संकेत करते हैं कि देश के किसान की यही स्थिति है हमारे देश में। अंततः मरते समय वो अपनी पत्नी से आखिर ख्वाहिश जो है, इच्छा जो है, वो जताती है कि मुझे मैं गोदान नहीं कर सका। देखिए ये पात्र की चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी प्रकार आप देखेंगे जिस जीवन दृष्टि में जटिलताओं को जानने या पकड़ने की क्षमता ना हो, वह क्या जीवन को समझेगा? जिस जीवन दृष्टि में जटिलता को पकड़ने की क्षमता नहीं है, वो जीवन दृष्टि जटिलता को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि जीवन दृष्टि जितनी गहराई से जाएगी, मैंने पहले ही इसका संकेत कर दिया है आपकी जीवनी। तुलसी ने क्या कहा, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। यही जीवन दृष्टि है आपकी। जीवन आपकी दृष्टि जैसी होगी, आपका आपको पूरा संसार वैसे दिखाई पड़ेगा। साहित्यकार के लिए भी यही नियम लागू है। साहित्यकार की जीवन दृष्टि अगर जटिलताओं से भरी है तो वह जटिल विषयों को उजागर कर सकता है। किताबों से पढ़कर या अर्थ ग्रहण नहीं की जा सकती, जीवन दृष्टि अनुभव की दृष्टि है। क्योंकि पोथी पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, सत आत्मानुभव अनुभव से ही जीवन दृष्टि व्यापक होती है, पल्लवित पुष्पित होती है। नहीं तो कबीर के समान पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुबा पंडित भया न कोय। ये ढाई अक्षर प्रेम का क्या मतलब है? ढाई अक्षर का प्रेम का मतलब है लोगों का सानिध्य, लोगों से समानता। प्रेम शब्द जो है यहाँ ढाई अक्षर का मतलब, प्रेम को आप मन भाषा विज्ञान दृष्टि से अध्ययन करेंगे वो ढाई अक्षर हो जाता है, ये नहीं है। ये है कि जीवन अनुभव, जीवन। इसीलिए तो कबीर कहते हैं, तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखन की देखी। यही जीवन दृष्टि है। इसके लिए संगति की आवश्यकता है, इसके लिए जीवनानुभव की आवश्यकता है, अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता है। रही बात आगे की, देखिए जीवन दृष्टि चिंतन मनन पर अध्ययन चिंतन मनन से विकसित होती है। अंतर्विरोध को समझने की दृष्टि चिंतन मनन से ही पैदा होती है। उपन्यास आधुनिक काल की ऐसी केंद्रीय विधा है जो जीवन के यथार्थ को अधिकाधिक संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। उपन्यास जो है ये ऐसी केंद्रीय विधा है जो जीवन के यथार्थ को अधिकाधिक संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। इसने प्राचीन काल की महाकाव्य विधा का स्थान ले लिया। हमने बार बार इसका जिक्र किया है, इसकी चर्चा की है। महाकाव्य के परिपूरक सप्लीमेंटरी जिसे आप कह सकते हैं, उसी के स्थान में उपन्यास आ पहुंचा, जिसमें महाकाव्य के बहुत सारे गुण शामिल है। मैंने सुबह भी कहा था, अभी क्लास शुरू में भी कहा था, महाकाव्य के बहुत सारे गुण सम्मिलित हैं। सारे नहीं, बहुत सारे, और सारे में अंतर है। इसे इस बारीक को समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए ऐसी विधा में कलात्मक सृजन वही लेखक करने में अधिक सफल होता है जिसके पास जीवन दृष्टि होती है। समृद्ध जीवनानुभव वाली रचना ही पाठक को अधिक से अधिक प्रभावित करती है। जीवनानुभव जिसमें, क्योंकि देखिए जीवन के अनुभव जिसके पास इतना अधिक होगा वो उसकी रचना उतनी अधिक होगी। तुलसी को लीजिए, उन्होंने कहा क्या, नाना पुराण निगमागम, यानी मैंने कई पुराण निगमागम का अध्ययन किया। ये भी जीवन दृष्टि है, अध्ययन से उनकी जीवन दृष्टि विकसित हुई है, संगति से जीवन दृष्टि विकसित हुई है। जीवन दृष्टि इसीलिए तो कहा जाता है एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, शिक्षा एक जीवन व्यापी प्रक्रिया है। जीवन दृष्टि भी वैसी है, जीवन दृष्टि एक जीवन व्यापी प्रक्रिया है। जैसे जैसे आपका अध्ययन बढ़ता है, आप अगर लेखक हैं, चिंतक हैं, आपकी कृतियां उतनी ही आगे उतनी पल्लवित पुष्पित होती है। आप भक्ति काल को लीजिए, आधुनिक काल को लीजिए, किसी भी कालखंड को लीजिए, जो जीवन दृष्टि तुलसी की रामाज्ञा प्रश्नावली में है वो जीवन दृष्टि मानस में नहीं है। मानस में उससे कई सतगुना
आप यूं कहिए सत्गुणा विकसित जीवन दृष्टि है, क्योंकि ये अनुभव की बात है। तो इसीलिए समृद्ध जीवनानुभव संपन्न लेखक की जीवन दृष्टि यदि बहुत दूर तक देख सकने वाली हो तो रचना भी बहुत ही समृद्ध बनती है। आप लीजिए प्रेमचंद को लीजिए, फणीश्वरनाथ रेणु को लीजिए, कृष्णा सोवती को लीजिए, जैसे ये लेखक जो हैं, इनकी जो रचना है मास्टरपीस उपन्यास जिसे कहा जाता है, इन्होंने तो बहुत सारी रचनाएं की हैं जिसमें उनकी संतुलित जीवन दृष्टि विकसित हुई है, यानी निचोड़ जिसे कहते हैं आप, निचोड़ कहते हैं वह जिसमें आप पहुंचा है वो जीवन दृष्टि, ये है गोदान। प्रेमचंद के गोदान में आप देख सकते हैं उनकी व्यापक जीवन दृष्टि को, मैलांचल में देख सकते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की जीवन दृष्टि को, और जिसे आज हम पढ़ रहे हैं जिंदगी नामा में देख सकते हैं जो सांझी संस्कृति है, पंजाबी की सांझी संस्कृति है, जो जिंदा रुख है, जिस जो प्रतीकात्मक वृक्ष है, ये जीवन दृष्टि का ही परिचायक है, अन्यथा इस प्रकार की कृति संभव नहीं है बिना जीवन अनुभव के। किसी साहित्यिक रचना में सर्वाधिक महत्व रचनाकार की जीवन दृष्टि का होता है, यह दृष्टि ही अपने अनुरूप पात्रों या चरित्रों का चयन अथवा सृजन करती है। जैसी आपकी दृष्टि रहेगी आपका पात्र भी वैसा रहेगा, वैसे आपके पात्र सामने आएंगे। आज के जो अल्लड़ चरित्र हमारे सामने हैं साहित्य में, कुछ ऐसे अल्लड़ चरित्र आ रहे हैं जिन्हें देखकर पढ़ने की, कृतियों को पढ़ने की इच्छा नहीं होती, ये जीवन दृष्टि की कमी का परिणाम है, क्योंकि उसमें उन चरित्र उन लेखकों में वो जीवन दृष्टि नहीं है जिसके चलते ये चीजें आ रही है, उनकी जीवन दृष्टि संकुचित हो गई है। लेकिन देखिए इसमें एक चाची मेहरी का, मेहरी चाची की चरित्र, मेहरी चाची का चरित्र आएगा, हम आपको बताएंगे कितने कितना व्यापक जीवन दृष्टि, ये कितनी व्यापक जीवन दृष्टि है कृष्णा शोभती। तो इसमें ये पात्र ही रचनाकार के आग्रह अनुरोध रूख रुझान के वाहक होते हैं, लेखक जो कहना चाहता है वो जो जानना चाह बताना चाहता है उसे ले जाते हैं। इनके माध्यम से ही रचनाकार का आंतरिक व्यक्तित्व किसी रचना में प्रतिबिंबित होता, आंतरिक व्यक्तित्व यानी वो भीतर से कैसा है पात्र के माध्यम से ही प्रकट होता है, भीतर से ऐसा है उसके, जैसे कि तुलसी ने कहा कि सियाराम मय सब जग जानी करत प्रणाम जोरी जुग पानी, इससे उनका व्यक्तित्व आंतरिक व्यक्तित्व प्रकट होता है कि विश्व के कण कण में भगवान राम की उपस्थिति देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये आंतरिक व्यक्तित्व चरित्र के माध्यम से आंतरिक व्यक्तित्व का प्रकटन साहित्यकार करता, काव्य के माध्यम से भी करता, इनके माध्यम से चरित्र का विकास होता है, आंतरिक जो साहित्यकार की जीवन दृष्टि है आंतरिक जीवन दृष्टि वो विकसित प्रकटित होती है। किसी रचना की महानता में सर्वाधिक योगदान रचनाकार की जीवन दृष्टि का ही है, यह जीवन दृष्टि किसी चरित्र या पात्र को महान या अमर बनाते हुए अंततः रचनाकार की महानता और अमरता का जयघोष करती है। कामायनी को लीजिए, श्रद्धा का चरित्र लीजिए, आपने पढ़ा होगा कामायनी मेरे विद्यार्थी मित्रों, उसमें श्रद्धा का जो चरित्र है उस चरित्र को लाने में प्रसाद ने क्या क्या कमाल कर दिया है, शब्द कम पड़ते हैं। श्रद्धा कहती है माया दया माया ममता लो मधुरी मा लो अगाध विश्वास हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास, ये श्रद्धा नहीं कह रही है, ये प्रसाद कह रहे हैं, प्रसाद की जीवन दृष्टि कह रही है, प्रसाद उस श्रद्धा के माध्यम से भारतीय नारी के आदर्श को प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं। अब लीजिए गुप्त जी को लीजिए, मैथिली शरण गुप्त को, उन्होंने क्या कहा यशोधरा के चरित्र के माध्यम से देखिए, उन्होंने ये कहा कि चुप रह है अभागे रोता है तो किसके आगे, अपने जो अपना बेटा जो है राहुल को प्रबोधित करती हुई वो कहती, केवल इतना नहीं है वो कहती है अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध आंखों में, ये चरित्र है। अब साकेत में लीजिए उर्मिला को लीजिए,
मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो होके मधु के मीत मदन कटु गरम नगारो, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। ये जो चरित्र है ये चरित्र गुप्त की जीवन दृष्टि का परिचायक है। गुप्त यही सोचते हैं कि भारतीय नारी को ऐसा होना चाहिए, इसीलिए ऐसे चरित्र सामने आए हैं। कृष्णा सेतु कृष्णा सेतु में उनकी जो जीवन दृष्टि है, उनका जो चिंतन है, उनकी जो मानवीय दृष्टि है, उनकी जो मानवतावादी सोच है, वो सारी की सारी बातें इन चरित्रों के माध्यम से उजागर हुई है। अब देखिए कोई चरित्र कैसे महान बनता है। गोदान के होरी को लीजिए, रंगभूमि के सूरदास को लीजिए, इनकी महानता और अमरता का मूल आधार प्रेमचंद की स्वस्थ व्यापक संश्लिष्ट और तलस्पर्शी जीवन दृष्टि है। जैसे हमने काव्य के संदर्भ में कहा, उपन्यास के संदर्भ में आप गोदान में होरी को लीजिए या फिर रंगभूमि के सूरदास को लीजिए। आज जो होरी अमर है, आज जो सूरदास अमर है, इसके पीछे भी प्रेमचंद की जीवन दृष्टि ही काम कर रही है। इस संदर्भ में यह भी देखने की जरूरत है कि क्या कृष्णा सेवती के उपन्यास जिंदगी नामा में अपनी जीवन दृष्टि के माध्यम से प्रेमचंद की तरह होरी या सूरदास, फणीश्वर नाथ रेणु की तरह भावनदास, अथवा श्रीलाल शुक्ल की तरह लंगर जैसे चरित्र सृष्टि कर सकी है। ये भी एक सवाल है, एक प्रश्न चिन्ह है। क्या जिस प्रकार के चरित्र की उद्भावना, चरित्र का सृजन प्रेमचंद ने किया, गोदान में होरी, रंगभूमि सूरदास, श्रीलाल शुक्ल के लंगड़ और फणीश्वर नाथ रेणु का जो महान चरित्र है बावनदास, क्या ऐसा करने में ये सक्षम हो पाई है? क्या सहानी होरी सूरदास बावनदास लंगड़ की भांति हमारे परिवेश के सामाजिक सांस्कृतिक अंतर विरोधों को उद्घाटन कर सके हैं? क्योंकि साहा और सहानी यही मैंने कहा था, ये परिवार है, इसी परिवार को लेकर ये कथा आगे बढ़ी है आगे आगे। तो क्या ये जो साहा और सहानी कर सके हैं, इसे हम देखेंगे कर सके हैं या नहीं, इसकी चर्चा जब हम चरित्र चित्रण के अंतर्गत करेंगे तब हमें ये लगेगा कि वास्तव में कृष्णा सेवती की जीवन दृष्टि कितनी व्यापक है, इसका फलक, इसके पृष्ठभूमि कैसी व्यापकता से भरी हुई है। जिंदगी नामा उपन्यास में पहली समस्या तो चरित्रों को पहचानने की है। बहुत सारे चरित्र हैं, उनमें से कौन कौन से चरित्र प्रमुख हैं और किस चरित्र के माध्यम से लेखिका ने अपनी जीवन दृष्टि को आगे बढ़ाया, इसे जानने के लिए थोड़ा हमें मेहनत करनी होगी, थोड़ा परिश्रम करना होगा। उपन्यास में चरित्रों की भरमार है, किंतु सभी चरित्रों का विश्लेषण संभव नहीं है। कुछ मुख्य चरित्र हैं जिनके विश्लेषण के आधार पर हम कृष्णा जी की जीवन दृष्टि को पहचान सकते हैं। वास्तव में जिंदगी नामा उपन्यास में व्यक्तिगत चरित्र का कोई महत्व नहीं है, या कहिए यूं कहिए कि व्यक्तिगत चरित्र का महत्व कम है, कोई नहीं है, ये नहीं कह सकते, महत्व कम है, व्यक्तिगत चरित्र का महत्व कम है। और एक स्तर पर पूरा गांव ही समेकित चरित्र जैसा प्रतीत होता है। डेरा जट्टा गांव जो है वो डेरा जट्टा गांव एक समेकित चरित्र के रूप में हमारे सामने आता है। गांव जैसे जिंदगी नामा का एकमात्र चरित्र है जिसके विभिन्न रूप उपन्यास के विभिन्न चरित्र में नजर आते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि डेरा जट्टा गांव रूपी जिंदगी नामा का केंद्रीय चरित्र विभाजन पूर्व, ध्यान दीजिए, जिंदगी नामा के ये उपन्यास जो है इसमें जो डेरा जट्टा गांव एक प्रतीकात्मक पात्र के रूप में हमारे सामने है, उस प्रतीकात्मक पात्र जिंदगी नामा का ये केंद्रीय चरित्र जो है विभाजन पूर्व सांझी पंजाबी संस्कृति का प्रतीक। लगता है कि एक ऐसा गांव है जो पंजाबी संस्कृति की साझी पंजाबी संस्कृति, जिसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, सब भाई भाई जैसे रहते हैं, जैसे इसीलिए तो उसका नाम क्या दिया गया है, जिंदा रूप। जिंदगी नामा का पहला खंड जो है वो जिंदा रूप के नाम से ही है।
जिस रूप में उन्होंने डेरा जट्टा गांव को उपन्यास में प्रस्तुत किया है, वही प्रतीकात्मक स्तर पर उपन्यास का एक विराट चरित्र है। ये विराटता भगवान विष्णु या कृष्ण की विश्व रूप से ही आप इसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे भगवान विष्णु या कृष्ण के विश्व रूप में सारे रूप समाहित थे, ये डेरा जट्टा गांव का चरित्र इतना व्यापक है कि ये भगवान विष्णु के विश्व रूप के समान है। इसी के साथ ही कथा आगे बढ़ती है। ये कि प्रतीकात्मक चरित्र है, ये गांव नहीं है, गांव तो है, उसके साथ साथ एक प्रतीकात्मक चरित्र है। चरित्र भी व्यक्तिगत चरित्र नहीं है, ये सामूहिक रूप से प्रतिनिधि या टाइप चरित्र अधिक है। यहाँ डेरा जट्टा गांव को छोड़कर और जो चरित्र हैं, ये व्यक्तिगत चरित्र नहीं है, इन्हें आप सामूहिक चरित्र के रूप में ही देख सकते हैं। यानी जो व्यक्ति, जैसा कि शाह, शाह साहूकार वर्ग का एक चरित्र है, ये एक अकेला व्यक्ति जरूर है लेकिन उसमें साहूकार का जो चरित्र है वो उजागर होता है। डेरा जट्टा गांव के या आसपास के जो भी चरित्र उपन्यास के रंगमंच पर आते हैं, वे किसान हो या साहूकार हो, व्यापारी हो, सैनिक हो, पुलिस हो, आशिक हो, डकैत हो, सभी अपने अपने वर्ग की सामूहिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस गांव के माध्यम से उपन्यास में शाह जो कि साहूकार व्यापारी का प्रतिनिधित्व करता, किसान जाट जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करता, सैनिक पुलिस कर्मचारी डकैत आशिक और दलित आदि तमाम तरह के चरित्र प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन उपन्यास के संदर्भ में जो प्रमुख चरित्र हैं वे ये चरित्र माने जाते हैं, कौन कौन से हैं? बड़े शाह, सहनी, छोटे शाह जिनका नाम काशी शाह है, छोटी सहनी बिंद्रादेई है, चाची मेहर मेहर ही है, मेहरी है, लाली जो कि शाह का, बड़े शाह का बेटा है, रावैया गांव की युवा लड़की। इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं चरित्र को समझ लेने के बाद जो कृष्णा जी की जो जीवन दृष्टि है वो हमारे सामने उजागर होती है। देखिए, आपके सामने इन्हीं चरित्रों पर कुछ विचार से इनकी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आप जानिए कि गांव में ये पूरा जो गांव है आतंक से त्रस्त है, डकैत से त्रस्त है आदि ये घटनाएं घटित होती हैं, ये प्रतीकात्मक चीजें हैं। उपन्यास में, उपन्यास का आरंभ प्रासंगिक रूप से गुरु गोविंद सिंह के उस कथन से होता है, और इसमें जो चरित्र आते हैं ये कैसे कृष्णा जी की जीवन दृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। शाहजी का चरित्र ही लीजिए। शाहजी उम्र में भले ही बहुत युवा ना हो लेकिन उपन्यास के नायक वही कह सकते हैं। देखिए मेरे मित्रों, जब आंचलिक उपन्यास की चर्चा हो रही थी, आंचलिक उपन्यास में अंचल नायक होता है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं अंचल तो है, एक प्रतीकात्मक अंचल एक विश्व स्वरूप है, विराट पात्र है, लेकिन नायक जो है वह शाहजी है। इसीलिए इसे सांस्कृतिक उपन्यास भी कहा जा सकता है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है, आंचलिक भी कहा जा सकता है, किसी तौर पर आप अपनी अपनी बात को रख सकते हैं। ये कला चातुर्य है कृष्णा जी की। उनकी उम्र का तो कुछ अनुमान उपन्यास की कथा से नहीं लगता, लेकिन उनकी पहली पत्नी गौरवा का देहांत हो चुका है, दूसरी पत्नी और मौजूदा साहिनी भी परिपक्व स्त्री प्रतीत होती है। शाह के छोटे भाई काशी शाह के दो बेटे हो चुके हैं, इसी से आप उनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं वो कितनी उम्र के होंगे। अतः शाहजी घर के सबसे बड़े और परिपक्व व्यक्ति हैं, वे ही घर के मुखिया हैं। शाहजी के पुरखे 100 रुपए लेकर बाहर से इसी गांव में आए थे जिसकी हमने चर्चा की थी, ये कहा था। व्यापार के साथ सुदखरी करते हुए वे अब तक सैकड़ों बीघा जमीन के भी मालिक बन चुके हैं। शाहजी कोई बहुत अत्याचारी किस्म के शोषक प्रतीत नहीं होते, उनका अपने आस
असामियों से व्यवहार भी नरम ही कहा जाएगा। गाये बगाये फसल मारी जाने पर, शादी विवाह मुकदमे आदि जैसी समस्याओं के आने पर किसान कर्ज करना चाहता है, और शाहजी इसमें मदद करते हैं, उसे कर्ज देते हैं। पूरे गांव को साल में दो चार बार त्योहारों आदि के मौके पर खिला पिला कर उत्सव मनाकर खुश रखते हैं। देखिए उनके व्यक्तित्व का ये जो अंतर विरोध है, खुश क्यों रखते हैं? खुश रखना उनकी मजबूरी है, नहीं तो लोग उनके खिलाफ बगावत करेंगे, उनकी सुदगरी नहीं चलेगी, उनका व्यापार नहीं चलेगा। यही तो जटिलता है। इन्हीं जटिलताओं को सुलझाने के लिए उपन्यास की संरचना की गई है आधुनिक काल में। यदि कोई युवा किसान विद्रोह पर उतारू हो जाता है तो एकाध बागी का कर्जा माफ कर देते हैं, उसकी जमीन उसे लौटा देते हैं, ताकि बगावत की हवा ज्यादा न बहे और इस उदारता से विद्रोह शांत हो जाए। यही तो चालाकी है कि कैसे विद्रोह को शांत करें, विद्रोह को अपने आप में कैसे शांत रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसकी जिसका हुनर उन्हें खूब आता। शाहजी व्यवहार में बहुत कुशल और दुनियादार हैं। वे सबके दुख सुख में शामिल होते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेते रहते हैं। गांव की चौपाल भी उनकी यहाँ जुटती है, थानेदार आदि यहाँ आते हैं। जाहिर है कि पूरे गांव, पूरे इलाके में, गांव ही क्या, पूरे इलाके में उनका रुबाब है, उनकी धाक बनी रहती है। शाहजी उम्र में बहुत बड़े भले ही हैं, लेकिन आशिक मिजाज के, रसिक प्रवृत्ति के हैं। उनकी पत्नी, पहली पत्नी के संतान नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने दूसरी से शादी की। दूसरी की नहीं हुई, तीसरी की इच्छा उनके मन में थी, लेकिन दूसरी ने मना कर दी। ये नहीं बाबा, बेटा गोदी में ले लो, लेकिन दूसरी शादी नहीं कर सकती। अब उनकी उनका आकर्षण रावैया के प्रति है, जो अब यौवन की अवस्था में ही पांव थामी है। शाहजी को अपनी समृद्धि के पीछे किसानों के उन्हीं द्वारा किए गए शोषण स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है। इसका कारण उनकी मनोवृत्ति है। घर परिवार में शाहजी एक उदार चित्त पति, पिता, भाई आदि की भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो शाहजी का व्यक्तित्व, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस लाइन को आप ध्यान से सुनिए, यही कृष्णा जी की जीवन दृष्टि है आगे जो उपन्यास को ले जाती है, कि शाहजी का जो व्यक्तित्व है वह ऊपर से जितना सरल दिखता है उतना सरल वे है नहीं। आपने मानसरोवर का हंस अगर पढ़ा होगा, उसमें आज के जो बहुरूपी हैं, बहुरूपियों का जमाना है आज का समाज, तो उन ऐसे में से एक चरित्र को कृष्णा जी ने चुना है। दूसरा चरित्र है साहनी, जो कि शाह की पत्नी है, दूसरी पत्नी है, पहली वरवा तो मर चुकी है। शाहजी उपन्यास के नायक प्रतीत होते हैं, लेकिन साहनी नायिका न लगकर एक महत्वपूर्ण प्रमुख पात्र के रूप में उभर कर सामने आती है। शाहजी नायक हैं, लेकिन उनकी पत्नी साहनी नायिका नहीं है। वह आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, आदर्श स्त्री के सभी गुणों से युक्त चरित्र हैं। उसमें बुद्धिमत्ता भी है, भावात्मकता भी है, मोह ममता भी है और करुणा भी है। क्षुद्रता का उसमें नामो निशान नहीं है। शाहजी की वह दूसरी पत्नी है, लेकिन इस बात की गांठ उसके मन में कभी नहीं है। वह शाहजी को हृदय से प्यार करती है, इसीलिए संतान के न होने के नाम पर किसी और स्त्री का सौतन रूपे घर में नहीं लाना चाहती। साहनी माँ के रूप में अत्यंत संतुष्ट, प्रसन्न और गौरवमयी माँ भी है। अपने लाली जैसे पुत्र को जन्म देकर घर में अपनी प्रतिष्ठा और बढ़ा दी है। देवरानी बिंद्रादेवी को वह छोटी बहन ही मानती है, देवरानी नहीं मानती, छोटी बहन मानती। गांव घर के साथ पूरे गांव में उनका संबंध बहुत अच्छा ही है।
दुखों की मार खाए, दुखों की मार खाए स्त्री पुरुषों के प्रति करुणा रखती हुई वह सबकी यथासंभव सहायता करती है, विशेषतः नारियों की सहायता करती है। अब देखिए अगला चरित्र ये है कि छोटे शाह, जिसे आप काशी शाह कहते हैं, छोटे शाह जिनका नाम काशी शाह है, बड़े शाह जी के छोटे भाई तथा व्यापार में उनके सहयोगी हैं। व्यापार का हिसाब किताब रखने में ये बड़े शाह की मदद करते हैं, शहर में जाकर मुकदमों की देखभाल करते हैं। छोटे शाह विवाहित हैं और दो पुत्र हैं उनके, वे बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, लेकिन पिछले कुछ अर्षों से उनका ध्यान आध्यात्मिकता की ओर जाने के कारण अपनी पत्नी बिंद्रादोई के शरीर सुख का भी उन्होंने लगभग त्याग कर दिया है, जिसके कारण बिंद्रादोई जवानी में देहताप का संताप झेलती है। ये छोटे का शाह जो है काशी शाह, ये धन मोह माया से अपने आप को निर्लिप्त रखते हैं, लेकिन घर का व्यापार का सारा कामकाज देखते रहते हैं। काशी शाह को यह एहसास है कि शाहों की धन संपत्ति किसानों का शोषण करके ही बनी है तथा इसका अपराध बोध भी उन्हें है। देखिए एक छोटे को अपराध बोध है, बड़े शाह को शोषण का अपराध बोध नहीं है। इस अपराध बोध को कम करने के लिए वे गांव वासियों का मुफ्त इलाज करते रहते हैं, उन्हें दवाइयां भी मुफ्त बांटते हैं। बड़े शाह को दान पुण्य के लिए भी वे प्रेरित करते हैं। वे निश्चल निस्वार्थ और निष्काम भाव से एक साधु व्यक्ति हैं। उनका चरित्र आप यूं मानिए कि साधु का चरित्र ही है। अब देखिए छोटी सहनी, जिसे आप बिंद्रादेही के नाम से जानते हैं, बिंद्रादेही छोटे शाह काशी शाह की पत्नी और दो बेटे बेटों की माँ है। वह अभी युवा है और यौवन का भोग करना चाहती है, किंतु पति काशी शाह शारीरिक सुखों और दुनियावी सुखों से विमुख हो चुका है। बिंद्रादेही अपने जेठानी से ये बातें कहती है और किसी से नहीं कहती, क्योंकि जेठानी उन्हें बहन मानती है, देवरानी से बढ़कर मानती है, इसीलिए अपने मन की बात जो है वो केवल जेठानी के सामने व्यक्त करती है। बिंद्रादेही अपने भतीजे लाली से खूब प्यार करती है और घर के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाती है। बिंद्रादेही शांत और गंभीर स्वभाव की है, इसीलिए वह तन मन से पति के व्यवहार से संतप्त होकर सिवाय सहानी के किसी से अपने देह ताप की बात नहीं करती। अगला चरित्र है चाची मेहरी। ये चाची मेहरी एक आकर्षक चरित्र है। उसका विवाह बुर्जुगवाल के दीदार सिंह से हुआ था। उसका देवर साहिब सिंह है, जो उस समय बच्चा था। इसका नाम वहां ससुराल में लड़को भाभी से इसे जाना जाता था। दीदार सिंह की अचानक मौत हो गई, इसलिए शाह परिवार के गणपत शाह से उनकी शादी हुई और ब्याह कर ले आए गणपति शाह। गणपति शाह भी कुछ साल बाद चल बसे। निसंतान चाची शाह परिवार में सयानी औरत के रूप में रहने लगी, लेकिन वर्षों बाद कहीं ना कहीं उसके मन में साहिब सिंह जो देवर है उसके प्रति मोह जगा। साहिनी की मन्नत उतारने, जब साहिनी की मन्नत उतारने, साहिनी के कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, कोई संतान नहीं हो रही थी, इसीलिए मन्नत मांगने के लिए जब जा रहे थे, तब तो वो ससुराल से होते हुए वो गुजरी और उन्होंने देखा कि उनके उनका देवर जो है साहिब सिंह वो बीमार पड़ा है, और उन्होंने चाची मेहरी ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की। भाभी लड़की को अपने उसी रूप में आकर साहिब सिंह की एक दिन रुक कर साहिब सिंह का जीवन भी धन्य हो गया। यहाँ देखिए उनका एक चरित्र, व्यापक चरित्र ये है मेरे चाची मेहरी की, मेहरी का। अन्य विधवा जब जवानी में काम पीड़ित हो या किसी अन्य जवान से तन मन जोड़ बैठती है,
यहाँ तक कि गर्भवती बन जाती है अगर बाल विवाह का उस समय प्रचलन था, अगर बाल विवाह के कारण कोई विधवा बन जाती है और दूसरों से काम पीड़ित होकर तन मन धन तन मन जोड़ देती है, यहाँ तक गर्भवती हो जाती है, चाची मेहरी उसे ऐसी अवस्था में सहारा देती है। ये सबसे महत्वपूर्ण उनका चरित्र है, क्योंकि अगर विधवा है तो विधवा तो उस समय तो विधवा विवाह नहीं हुआ करता था, ज्यादातर प्रचलन नहीं था, इसीलिए उसके जैसे पेट की भूख है वैसे शरीर की भूख है। अगर शरीर की भूख मिटाने के लिए उन्होंने कहीं से संबंध बनाया और गर्भवती भी हो गई कोई बाल विवाह विधवा कोई विधवा, तो उसे वह सहारा देती है लाली। अगला चरित्र है लाली। उपन्यास के अंत तक सहसाहिनी का बेटा लाली 7 साल का हो जाता है, वो स्कूल जाना शुरू करता है, लेकिन उसकी बचपन की शरारतें और उसके खिलदंडी स्वभाव का लेखिका ने अच्छा चित्रण किया, विशेषतः रावैया का उससे लगा। उसके जन्म के समय से ही रावैया घर घर में उसकी देखभाल करती रहती है, वह भी रावैया के बिना रह नहीं पाता। आगे जो दूसरा खंड आने वाला है जिसका आधा ही हिस्सा बहुवचन में आया है, जिंदगीनामा का दूसरा भाग, उसमें ये चरित्र आगे और हो सकता है कि व्यापकता के साथ आए हैं। रावैया, ये रावैया भी अगला चरित्र है। रावैया रावैया भी उपन्यास का ऐसा चरित्र है जिसका अधिक विकास उपन्यास के दूसरे भाग में होना है। रावैया गांव के गरीब अलिए की बेटी है, लेकिन छोटी उम्र में ही साहस से जुड़ी है। उसके व्यक्तित्व में बचपन से ही बड़ी परिष्कृत अभिरुचियां विकसित हुई। वह जवानी की दहलीज पर पांव ही रखी रख रही है कि वह मन ही मन अब बड़े साहब को अपना स्वामी मान लेती है। इसका कुछ आभास परिवार में सभी को है, लेकिन उससे कोई उसे बुरा नहीं समझता। साहनी भी स्त्रीजन्य ईर्ष्या भले ही हो उसके प्रति साहनी के मन में, लेकिन रवैया के प्रति सौतेया डाह नहीं है। निश्चय ही जिंदगी नामा उपन्यास में इन तमाम चरित्र चित्रण की दृष्टि से व्यापक सफलता मिली है जिंदगी नामा उपन्यास को। अब देखिए जीवन दृष्टि, जिंदगीनामा परिवेश प्रधान आंचलिक उपन्यास भी उसे कहा जा सकता है, जिसकी बार बार हम चर्चा कर रहे हैं। तथापि इस उपन्यास के सृजन में लेखिका की विश्व दृष्टि या जीवन दृष्टि की बहुत बड़ी भूमिका है। अपने सहज रूप में जिंदगीनामा उपन्यास में कृष्णा शोभती की मानवीय जीवन दृष्टि आरंभ से अंत तक बनी रही है। उपन्यास के प्रमुख चरित्र सहपरिवार से संबंधित है, लेकिन सहपरिवार द्वारा किसानों के शोषण को लेखिका ने अंकित किया है, ये उनकी जीवन दृष्टि है। सहपरिवार को ले आए और उनके माध्यम से सहपरिवार किस प्रकार 100 रुपए लेकर आए थे और यहाँ कैसे सैकड़ों बीघा जमीन उन्होंने हड़प ली, इसका चित्रण उन्होंने किया। सांझी पंजाबी संस्कृति से लेखिका का गहरा भावात्मक लगाव है, इसीलिए डेरा जट्टा गांव को उन्होंने इस सांझी संस्कृति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है, अंकित किया है, ये भी उनकी जीवन दृष्टि है। सांझी पंजाबी संस्कृति के निर्माण में करीब 300 वर्ष पुराने सिख धर्म की काफी प्रभावी भूमिका है, जिसने लेखिका की जीवन दृष्टि के निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। उपन्यास का समर्पण ही गुरु गोविंद सिंह के फारसी भाषा में लिखे खत की इन प्रसिद्ध पंक्तियों से हुआ, चूकार अज हमा हिलते दरबुज हलालस्त बुर्दन व शमशीर दस्त, जिसका अर्थ है जब दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है, इसी से भी जीवन दृष्टि लेखिका को प्राप्त हुई। जाहिर है कि लेखिका की जीवन दृष्टि के निर्माण में सिख धर्म के गुरुओं की वाणी की बड़ी भूमिका रही है। मूल रूप में तमाम तरह की धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध स्वरूप पैदा हुआ ये सिख धर्म मानवतावादी है, और इस मानवतावादी जीवन दृष्टि आद्यांत बनी हुई है इस उपन्यास में। इसीलिए पंजाब के गांवों कस्बों शहरों में
हिंदू सिख मुसलमान सभी लोग अत्यंत गहरे मेल मिलाप के साथ रहते हैं। विभाजन से पहले प्रत्येक हिंदू परिवार को एक बेटे को सिख धर्म में दीक्षित करने का रिवाज था। देखिए ये कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि विभाजन से पहले एक सिख परिवार, एक हिंदू परिवार के एक बेटे को सिख धर्म में दीक्षित करना अनिवार्य था, क्योंकि हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक था। और उस समय के आक्रमण, उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की परिकल्पना की गई थी। आगे देखिए, जब ये जो सांझी पंजाब की सांझी संस्कृति है, अंग्रेजों के आने से पहले इस सांझी पंजाबी संस्कृति में कहीं तनाव या कटुता नहीं थी। अंग्रेज आए तो यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, और ये संस्कृति धीरे धीरे आज समाप्त की कगार पर है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के हिंदू सिख मुसलमान समान रूप से भागीदार थे। इन्हीं सब सकारात्मक पहलुओं को कृष्णा शेट्टी ने अपने उपन्यास में उजागर किया है, ये उनकी जीवन दृष्टि है। जिंदगीनामा उपन्यास यद्यपि प्रमुख तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन का उपन्यास नहीं है, लेकिन प्रासंगिक रूप से जहां भी राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ आए हैं, लेखिका की सहानुभूति राष्ट्रीय आंदोलन के साथ है। 1905 के बंग भंग हो या 1911 में बंगला के एकीकरण का संदर्भ हो, सब में उनकी जो दृष्टि है वो व्यापकता ली हुई है। राष्ट्रीय आंदोलन में भी लेखिका की संवेदना क्रांतिकारी आंदोलन से अधिक जुड़ी है, सुधारवादी आंदोलन से कम। क्रांतिकारी के पक्ष समर्थन करती हैं कृष्णा जी। गुरु गोविंद सिंह जी की पंक्तियों के चयन से भी लेखिका की क्रांतिकारी दृष्टि का परिचय मिलता है। लेखिका की जीवन दृष्टि में उत्पीड़ितों के प्रति सहानुभूति, देखिए ये महत्वपूर्ण है कि कृष्णा जी की जीवन दृष्टि में उत्पीड़ितों के प्रति सहानुभूति है। शोषकों उत्पीड़ितों के प्रति नफरत की भावना व्यक्त हुई है। लेखिका गरीबों, किसानों, सैनिकों, कामगारों, बेरोजगारों उनका पक्ष लेती है। इनका उत्पीड़न करने वालों के प्रति प्रतिरोध का भाव जताती है। दूसरी जीवन दृष्टि और आगे की जो जीवन दृष्टि है ये महत्वपूर्ण है। स्त्री चरित्रों के प्रति लेखिका की विशेष संवेदना है, जिसकी चर्चा बार बार हम कर रहे हैं। वैसे तो सभी स्त्री चरित्रों को लेखिका ने विशेष सहानुभूति से चित्रित किया है, किंतु सहानी, बिंद्रादेई, चाची महरी, रवैया, विधवा ब्राह्मणी आदि चरित्र के प्रति लेखक की दृष्टि अधिक ममतालु है, दयालु है, हृदय द्रावक है। यानी उनकी जीवन दृष्टि इतनी सपाट बयानी है कि इन चरित्रों को सामने लाने में बहुत मदद करती है। कुल मिलाकर अगर आप देखें, कृष्णा शोभती का जिंदगी नामा उपन्यास एक गहन मानवीय जीवन दृष्टि संपन्न उपन्यास है। इसे आप कोट कर सकते हैं मेरे विद्यार्थी मित्रों, कि जिंदगी नामा उपन्यास एक गहन मानवीय जीवन दृष्टि संपन्न उपन्यास है, जिसमें लेखिका की विश्व दृष्टि ने उपन्यास की संरचना को भी प्रभावित किया। लेखिका की जीवन दृष्टि उपन्यास की संरचना को प्रभावित किया है, यानी इस पूरी पूरे ढांचे को उस जीवन दृष्टि ने परिवर्तित करके रख दिया। आगे की जो इकाई है वह है परिवेश और भाषा। जिंदगीनामा का परिवेश कैसा है, परिवेश पर किस प्रकार वो आधारित है और उसकी भाषा कैसी है। परिवेश चित्रण किसी भी रचना और रचनाकार के लिए बड़ी चुनौती भरा कार्य है। जिंदगी नामा में भी परिवेश एक तरह से केंद्रीय पहलू है, इसलिए जिंदगी नामा को समझने के लिए उसके परिवेश को समझना नितांत आवश्यक है। परिवेश चित्रण किसी भी रचनाकार का एक विशेष पहलू है, जिसे बिना समझे रचना की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन कुछ रचनाएं तो ऐसी होती हैं कि वो परिवेश केंद्रित होती है। परिवेश ही कुछ रचनाओं का
प्रतिनिधित्व करता। जिंदगी नामा एक ऐसी रचना है जो अपने परिवेश में रची बसी है। लेखिका का पूरा सृजन कर्म ही परिवेश चित्रण पर केंद्रित है। इसीलिए जिंदगी नामा को आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है इसी अर्थ में, क्योंकि लेखिका का पूरा सृजन कर्म परिवेश चित्रण पर केंद्रित है, इसी अर्थ में इसे आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है। जिंदगी नामा भी ऐसा ही उपन्यास है जिसमें विभाजन पूर्व पंजाब के ग्रामीण परिदृश्य का, सांस्कृतिक परिवेश का अपने जीवंत रूप में पाठकों को लुभाता है और आकर्षित करता है। ये महत्वपूर्ण है। आंचलिक रचना की भाषा भी स्वयं रचनाकार के लिए एक सृजनात्मक चुनौती बन जाती है, क्योंकि आंचलिक उपन्यास के लिए भाषा महत्वपूर्ण होती है। शायद निशांत पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चूंकि विशिष्ट अंचल में विशिष्ट भाषा का लोक संस्कृति में प्रयोग होता है, और जब तक ऐसी रचना में उस लोक प्रयुक्त भाषा की गंध और स्पर्श न हो, तब तक उस रचना में चित्रित परिवेश भी प्रामाणिक चित्र नहीं उभरता, उसमें भी प्रामाणिक चित्र नहीं आता अगर भाषा आंचलिक नहीं होती। आंचलिक उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें भाषा भी आंचलिक होनी चाहिए। उपन्यास एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें एक विशेष समाज और उसके तत्कालीन परिवेश को उजागर करने पर रचनाकार का ध्यान केंद्रित रहता है। जिंदगी नामा को व्यापक रूप से आंचलिक उपन्यास भी कहा जा सकता है और सांस्कृतिक भी, जिसकी चर्चा बार बार हम कर रहे हैं। इसे आंचलिक भी कहा जा सकता है और सांस्कृतिक भी। उपन्यास चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिवादी उपन्यास क्यों ना हो, सब में परिवेश का चित्रण की अपनी महत्ता है, अपनी भूमिका है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास में बाह्य परिवेश के साथ साथ चरित्रों के आंतरिक परिवेश को भी उजागर किया जाता है। आंचलिक उपन्यास को तो पूरी अवधारणा ही आंचलिक उपन्यास की पूरी अवधारणा ही मानिए कि अंचल विशेष पर केंद्रित है, यानी परिवेश पर केंद्रित है। फणीश्वर नाथ रेणु के मैलांचल को लीजिए, प्रतिपरी कथा को लीजिए, जगदीश चंद्र का धरती धन अपना उसे लीजिए, उसमें किस प्रकार परिवेश का चित्रण हुआ है ये देखने वाली बात है। आंचलिक या सांस्कृतिक रचना की भाषा का प्रयोग परिवेश चित्रण में सीधे रूप से संबंध है। एक विशेष परिवेश विशेष प्रकार की भाषा में अभिव्यक्ति ग्रहण करता। जिंदगी नामा उपन्यास में विभाजन पूर्व पंजाब के ग्रामीण जीवन के सांस्कृतिक परिदृश्य का पुनर्सृजन हुआ है। सांस्कृतिक परिदृश्य का पुनर्सृजन, यानी जो खोई हुई संस्कृति थी उसे सृजित नहीं पुनर्सृजित, उस संस्कृति को पुनर्सृजित किया गया है इस उपन्यास में। जिंदगी नामा उपन्यास में परिवेश का किस प्रकार चित्रण हुआ है देखिए। जिंदगी नामा उपन्यास की शुरुआत लेखिका की कथात्मक अभिव्यक्ति से होती है। 7 साढ़े 7 पृष्ठ तक फैली इस काव्यात्मक अभिव्यक्ति में पहले काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी जाती है, उसमें लेखिका ने काव्यात्मक बिंबों के सृजन द्वारा पंजाब के भौगोलिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को ऐसा भावात्मक रूप दिया है जिसे जो देखते ही बनता है। इस काव्यात्मक अभिव्यक्ति के बाद उपन्यास में गद्यात्मक भाग का आरंभ होता है, जीवन चित्रण होता है परिवेश का। यह चित्रण है विभाजन पूर्व पंजाब के गांव में शरद पुन्या की रात का, जहां कथा कही जाती है। बच्चे औरतें ये सब बैठे होते हैं और कथा कही जाती है। ये जो पूरा वातावरण है वो सांस्कृतिक वातावरण हमारे सामने लेकर आता है। पूरा उपन्यास आदि से अंत तक इसी प्रकार बिंबात्मक और चित्रात्मकता से भरा हुआ है। मैंने कहा था ये दृश्य अंतर वस्तु में सॉरी कथा वस्तु में, हमने ये कहा था कि शिल्प में
दृश्य, ये उपन्यास जो है दृश्य प्रधान है, बिंबात्मक है, इसमें विवरणात्मक नहीं है, इसीलिए कथा का विभाजन अध्याय में नहीं बल्कि दृश्य में इसका विभाजन हुआ है। शरद पुण्या की रात के चित्रण में हिंदू रीति का चित्रण है, तो अगला ही दृश्य मुस्लिम परिवेश का आभास भी करा देता है, यही साझी संस्कृति है। ये कृष्णा जी लिखती हैं, मस्जिद से अजान और मुर्गे की बांग के एक साथ होने से भोर होने का चित्रण के माध्यम से कृष्णा जी इसका चित्रण करते हैं। रात और प्रभात के चित्रण के बाद जीवन के समूचे कार्य व्यवहार का चित्रण लेखिका करती है। कृष्णा जी ने उपन्यास में पंजाबी जनजीवन के, उसकी लोक संस्कृति के हर पहलू को यथा व्यवस्थित चित्रित करने का प्रयास किया। इसमें ये जिंदगी नामा का जो प्रतीकात्मक गांव जिसे लेकर ये उपन्यास आगे बढ़ा है, डेरा जट्टा गांव की रात यदि सुंदरता में सराबोर है तो उसकी प्रभात भी कम आकर्षक नहीं है, यानी उस गांव की रात का भी चित्रण है और प्रभात का, यही तो परिवेश है, परिवेश इसे ही कहते हैं। देखिए, कई तरह के त्योहार पंजाब में मनाए जाते हैं, उन त्योहारों का भी चित्रण इस उपन्यास में हुआ है, परिवेश को आगे बढ़ाने में ये हमारे काम आते हैं। लोहड़ी पंजाब में 13 जनवरी के आसपास सर्दी के शिखर के अवसर पर मनाई जाती है, जब पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठे बैठकर उपलों को जलाकर आग सेंकता है, नाश्ता गाता है, खाता पीता है और सर्दी को एक तरह से सामूहिक रूप से खूबसूरत विदाई देता है। उड़ीसा में भी यह पर्व मनाया जाता है, अग्नि उत्सव के नाम से आप जानते होंगे, तो इसमें भी परिवेश का कैसा चित्रण है। कृष्णा जी ने इस परिवेश को जिंदगी नामा में जैसे साक्षात दृश्यमान कर दिया है इस संगीत के माध्यम से। आएगी भई आएगी इस घर लोहड़ी आएगी, आने वाली लोहड़ी पर सानों की मांगोनी में बचड़ा खिलाएगी, आ तेरा गिवड़ा जिए सानों का बीड़ा जिए। इस प्रकार सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, एक परिवेश का सृजन हो रहा है। वैसे लड़कों के जन्म के ये चाव पंजाबी संस्कृति के सामंती पक्ष को उजागर, संस्कृति के सामंत पक्ष को हमारे सामने ले आता है। पुत्र प्राप्ति की मन्नत मानना, इसके लिए पीर फकीरों की पूजा करना, ये हमारी प्राचीन परंपरा है, आज भी हो रही है। ये आप इसमें देखिए कि चाची मेहरी को साथ ले साहनी संतान प्राप्ति की चाह के लिए बाबा फरीद के दरबार में मनाने जाती हैं। ये भी एक प्रकार का परिवेश है कि किस प्रकार भगवान की शरण में या पीर फकीरों की शरण में भी उस समय लोग जाते थे। सामाजिक परिवेश को चित्रित करते समय लेखिका सहज रूप में ही जिंदगी नामा में प्रस्तुत कालखंड, जो कि एक सदी से भी कम है, 1907 से 1915 के बीच का कालखंड है, ये राजनीतिक संदर्भ में भी उसे प्रस्तुत करती है। उसमें इस परिवेश में ये दिखाया जाता है, पुलिस मारपीट के सिवाय और कुछ नहीं जानती, पंजाबी ग्रामीण पुलिस की मार भी खाते हैं और पंजाबी मिरासी कंजर सांसी मार खाकर भी उसकी हंसी उड़ाते हैं, पुलिस की मजाक उड़ाते हैं। इस पूरे दृश्य को लेखिका ने बड़े जीवंत रूप से जिंदगी नामा में चित्रित किया। पंजाब के गांव में से वैसे ही दो चार लोग जरूर किसी का कत्ल जैसे अपराध में जेल में बंद हैं, ये और उनका परिवार यहाँ कष्ट में जीवन बिता रहा है। ये पंजाब की संस्कृति की एक आम बात है, जिसे विभाजन पूर्व पंजाब की संस्कृति का आम बात है, जिसे इस उपन्यास में उजागर किया गया है। एक और बात परिवेश के संदर्भ में हम देखेंगे, बड़ी साहनी का गर्भवती होना उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग बनकर सामने आता है।
क्योंकि निसंतान थी, सहा निसंतान थे, सहानी निसंतान थी। सिर्फ गर्भवती होना ही पूरे गांव में उत्सव मनाने का अवसर प्रदान कर देता है। गर्भवती होते ही पूरे गांव में उत्सव का माहौल बन जाता है, पूरे गांव को खिलाया पिलाया जाता है। इसके बाद तो बड़ी सहानी के लड़का पैदा होने तक, और फिर उसके बाद भी साहू के घर में और कुछ हद तक गांव भर में उत्सव प्रियता लगी रहती। ये भी एक परिवेश है, क्योंकि अगर कोई गांव का सबसे विशिष्टवादी परिवार है, वहां एक खुशी का माहौल तैयार होता है, तो उसका पूरा पूरा पालन परिवार करता है, पूरे परिवार में उसका पालन, पूरे पूरे गांव में उसका पालन होता है। देखिए, लोहड़ी के बाद पंजाबी पंजाबी संस्कृति में एक और त्योहार आता है, जिसका नाम है बैसाखी। इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है त्योहारों में। जब किसानों की फसलें पक जाती हैं और उन्हें बेचकर खुशियां मनाने के मूड में किसान होता, जगह जगह बैसाखी के मेले लगते हैं। डेरा जट्टा गांव की बैसाखी का लेखिका ने जिंदगी नामा में बड़ा ही रोचक ढंग से उसका चित्रण किया। इसी पेशे के चलते देखिए, इसमें और एक परिवेश को सामने लाया गया है कि इसमें और क्या क्या परिवेश को लाया गया है ना, जिंदगी नामा में डेरा जट्टा गांव में जो बैसाखी का त्योहार है मनाया जाता है, इस चित्र में हंसना खेलना गाना बजाना ही नहीं, किसानों मेहनतकशों के साहों द्वारा शोषण का भी रेखांकन किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, रेखांकन किया गया है इसी पेशे के चलते, क्योंकि हमने ये बताया है ये साह जो है ये साहूकार है, सुदखोरी का व्यापार है उनका। इसी पेशे के चलते इनके पुरखे 100 रुपये लेकर आए थे और ये सैकड़ों बीघे जमीन के मालिक बन गए। न्यायिक व्यवस्था में भी एक परिवेश हमारे सामने आता है। कोर्ट कचहरी भी पुलिस तंत्र की तरह ब्रिटिश उपनिवेशवादी व्यवस्था की देन है, जो अभी उसी रूप में बरकरार है, आज भी है। इस न्यायिक तंत्र में आम आदमी कितना पिसता है और कैसे शाह जैसे धनी लोग की मुकदमे जीतते हैं, इसे अत्यंत कुशलता के साथ दिखाया गया। ये महत्वपूर्ण है, ये भी एक परिवेश का चित्रण है। पंजाब के ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है फौज में भर्ती। पंजाब के लोग बड़े चाव से फौज में भर्ती होते हैं, आज भी हो रहे हैं। फौज में लड़ते हुए शहीद होना या फिर फौज से रिटायर होकर गांव में बसने की कथा शौर्य की कथा मानी जाती है। फौज में भर्ती से लेकर युद्ध में फौजियों की शूरवीरता, शहादतें या रिटायर्ड फौजियों की अनगिनत किस्से गांव के जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। यहाँ देखिए, पंजाब में 33 पंजाब जो रेजिमेंट है उसमें लावणा जाति के लोग फौज में रहते हैं, और रेजिमेंट 40 में पंजाब में सभी धर्म और जातियों के लोग उसमें सम्मिलित हैं। एक और बात आती है परिवेश के चित्रण में, चौपाल की। चौपाल की चर्चा किए बिना हम जो इस संदर्भ में हमारी बात अधूरी रहेगी, परिवेश के संदर्भ में। चौपाल चर्चा को जिंदगी नामा में मजलिस भी कहा गया है। हरकृष्ण महताब का नाम आप अगर आप कोई जानते होंगे मेरे मित्रों, तो उनका एक चर्चित रचना है गां मजलिस। ये मजलिस का अर्थ है जहां बैठकर लोग अपने मन की बातें कहा करते हैं। यहाँ भी वही है, चौपाल है हिंदी में, उसे चौपाल कहते हैं, मजलिस भी कहते हैं। इस मजलिस का एक दिलचस्प विषय रहा है पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की चारित्रिक विशेषताओं को अंकन करना। विभाजन पूर्व पंजाब की 7 उपभाषाएं थी। देखिए, यहाँ ये मजलिस में क्या होता ना, अलग अलग भाषा भाषी यानी जो उपभाषाएं होती थी, वो समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी अपनी भाषा में बात करते थे। जैसे उड़ीसा में कई उपभाषाएं, कटकी उड़िया अलग है और गंजाम की
उड़िया अलग है, उत्तर भारत उत्तर उड़ीसा की उड़िया अलग है, उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो विभाजन पूर्व पंजाब की 7 उपभाषाएं थी, लहंदी, पाठोहारी, मुल्तानी, झांगी, माझी, मलवई, दुआबी। इस समय पंजाब में मलवई मुख्य उपभाषा है। स्थानीय परिवेश के चित्रण की दृष्टि से इन भाषाओं का और चौपाल का विशेष महत्व है। इस चौपाल चर्चा का महत्व निर्विवाद है। साहब दरबार में ये चौपाल लगती है, इसमें नाई रमजान, चौधरी मौलादात, मौलावी इल्मदीन, कृपाराम, कर्म इलाही, जान पिंडीदास, ये सब आते हैं और महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं। इसी चौपाल चर्चा के बहाने लेखिका ने पंजाब की तमाम मिठाइयों को भी पाठक के सामने परिवेश के तौर पर रखने का प्रयास किया। वे मिठाइयां हैं हल्कू के लड्डू, खांड, मेल के मुट्ठे, मक्खन बड्डे, बालू सहिया, अंदरसे, सोरनी, पुलिया, मखने, कड़ा आदि, ये फिर छेना मुर्गी, ये कलाकंद, ये जो सब मिठाइयां हैं उसे सामने लाकर परिवेश को जीवंत जीवंत बनाने का प्रयास कृष्णा जी ने किया। इसमें एक और बात है, चौपाल चर्चा में पंजाब की गर्म राजनीति भी बढ़ चढ़कर होती है। छोटा काशी शाह चूंकि अखबार पढ़ता है, उसी से सब खबरें पूछते हैं, उससे सारे खबरें लोग पूछते हैं। खबरों में पगड़ी, संबाल, जट्टा, गीत की गूंज, दंगे फसाद, बंगाल के दो टुकड़े होने, लाला लजपत राय और अजीत सिंह को जलावतन करने आदि की चर्चा भी वहां होती रहती है। उपन्यास में चौपाल चर्चा या मजलिस बहुत सी बातें कहने का माध्यम बनी है। इसमें पंजाब की इतिहास की चर्चा शामिल है। उपन्यास में धर्म और जाति के ऊपर उठकर इश्क के अनेक किस्से हैं। विधवा ब्राह्मणी का मुसलमान से प्यार, तारे शाह का छोटी जाति की स्त्री से प्यार, इन परिवेश को और आगे बढ़ाता है। उपन्यास में पंजाब के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के रूप में आर्य समाज और स्वामी दयानंद के प्रभाव को भी चित्रांकित किया गया, अंकित किया गया है। यद्यपि आर्य समाज के प्रचार का ढंग ग्रामीण जीवन में मजाक का विषय है, उसी पर भी लेखिका ने प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि सुधार के लिए खाली तर्क नहीं, सांस्कृतिक परिवेश को समझना भी जरूरी है। किसी केवल आप तर्क देकर किसी को सुधार नहीं सकते, इसीलिए आपको सांस्कृतिक परिवेश की पहचान जरूरी है। आप देखिए तुलसी और कबीर के संदर्भ में, कबीर ने तमाम तर्क दिए और कबीर के राम भी राम हैं जो निर्गुण राम हैं, तुलसी के राम दशरथ नंदन राम हैं, लेकिन तुलसी के राम इतने प्रिय क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक दृष्टि को समझने की क्षमता कबीर से अधिक तुलसी में है, ये निर्विवाद सत्य है। उपन्यास में इनकलाबों की चर्चा की गई है। जिंदगीनामा मूलतः विभाजन पूर्व पंजाब के जनजीवन की लोक संस्कृति पर आधारित तो उपन्यास है, जिसके सांस्कृतिक परिवेश को लेखिका ने अत्यंत कुशलता के साथ जीवंत रूप में चित्रित किया है। पंजाब के 3 त्योहार हैं, वे कौन कौन से हैं? एक है लोहड़ी, दूसरा है बैसाखी और तीसरा है दिवाली। ये लोक उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। होली का चित्र इसमें शामिल नहीं है। संभवतः विभाजन पूर्व पंजाब में होली का प्रचलन इतना नहीं था। लोक संस्कृति के साथ साथ लेखिका ने तत्कालीन पंजाब के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश को बड़े यथार्थ और प्रामाणिक रूप से अंकित किया है। परिवेश के साथ इन तमाम चीजों का अंकन किया है कृष्णा जी ने। इससे यह उपन्यास 1907 से 1915 या 1914 या 15 तक का कालखंड
को उजागर करता है, इसीलिए इस उपन्यास को ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास भी कहा जाता है, या ऐतिहासिक सांस्कृतिक दस्तावेज के रूप में इसे हम उसका चिन्ह अध्ययन भी कर सकते हैं। देखिए जिंदगी नामा में एक और बात आती है जो है भाषा सृजन। जैसा कि हमने बार बार इसकी चर्चा की है, यहाँ जो है इस उपन्यास की भाषा में आंचलिकता की फूट है। जिंदगी नामा एक विशिष्ट परिवेश को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है, इसीलिए इसकी भाषा शैली में भी परिवेशगत विशिष्टता होना स्वाभाविक है, क्योंकि परिवेश जैसा होगा भाषा वैसी होगी। अगर एक सामान्य सा उदाहरण देकर हम आपको बताते हैं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाली छोटी छोटी जो लड़कियां हैं या छोटे छोटे लड़के हैं, बच्चे हैं, वो जिस प्रकार भाषा का प्रयोग करते हैं, ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी वैसे भाषा का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये परिवेश की देन है, परिवेश का प्रदेय है। और साहित्यकार जब इसे चित्रित करता है, उसे ध्यान में रखकर उसे उस बात का चित्रण करना चाहिए। जिंदगी नामा में इसकी लेखिका कृष्णा शेवती ऐसी ही भाषा का सृजन करने में पूर्णतः सफल रही हैं। इस उपन्यास की भाषा अत्यधिक पंजाब की रंगत के कारण गैर पंजाबी पाठकों के लिए गंभीर समस्या बन जाती है। बावजूद इसके लेखिका की भाषा सृजन क्षमता को ये पूरी तरह उद्घाटित करती है। किसी भी रचना में परिवेश चित्रण और भाषा सृजन के बीच अभिन्न संबंध है। विभाजन पूर्व पंजाब के भाषाई रंग भी कम से कम साथ थे। जिंदगी नामा में गुजरात जिले के गांव डेरा जट्टा को केंद्र में रखकर उपन्यास को गति मिली है। लेखिका ने पंजाब की धरती को जो आकर्षक और खूबसूरत बिंब इस कविता के माध्यम से, क्योंकि आरंभ जो है काव्यात्मक है, उस पंजाबी भाषा के माध्यम से उन्होंने जो महत्वपूर्ण बिंब दिया है, वास्तव में उसी भाषा के कारण, पंजाबी भाषा के कारण ही, आंचलिकता की फूट के कारण ही संभव हो पाया है। जिंदगी नामा उपन्यास में पंजाबी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। संभवतः रेणु के मैलांचल में प्रयुक्त मैथिली रंग से भी अधिक, यानी मैलांचल में जो आप देखते हैं कि मैथिली भाषा का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है, उससे कई गुना अधिक जिंदगी नामा में है। यह भी सही है कि जो समस्या मैथिली भाषा से अपरिचित पाठकों के सामने मैलांचल पढ़ते समय उपस्थित हुई है, वैसी ही समस्या यहाँ भी है। किंतु जिस भाषा का प्रयोग रेणु और कृष्णा जी अपनी अपनी औपन्यासिक कृतियों में करते हैं, वह प्रयोग इन रचनाओं की आंतरिक कलात्मक मांग है। ये रचना की मांग है, इसके बिना रचना में उतनी खूबसूरती नहीं आ सकती थी जितनी आई है। दूसरी बात है, दोनों यानी मैलांचल में रेणु और जिंदगी नामा में कृष्णा जी, दोनों ही रचनाओं एक ही अंचल विशेष के ग्रामीण परिवेश के गहरे सांस्कृतिक परिवेश को अभिव्यक्त करने वाली रचनाएं हैं। अंचल विशेष सांस्कृतिक परिवेश को अभिव्यक्त करने वाली भाषा ही साधारण गद्य की भाषा नहीं हो सकती थी, ये उस अंचल की आंचलिक भाषा होने के कारण ही आज इसकी इतनी प्रसिद्धि है। यहाँ रेणु और कृष्णा शोभती के भाषा प्रयोग पर विचार करते हुए मैलांचल और जिंदगी नामा के संदर्भ में एक तथ्य की ओर संकेत करना आवश्यक है। वह तथ्य क्या है? रेणु ने पात्रों के संवाद में ही मैथिली भाषा का प्रयोग किया है, और जब उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है तब उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। लेकिन कृष्णा जी ने, चाहे पात्रों के संवाद हो या चाहे अपनी टिप्पणी हो, सब में पंजाबीपन का जो पंजाबीपन की जो मिर्ची है, या फिर यूं कहिए पंजाबीपन की जो छोंक है, वो लगाई है। देखिए एक उदाहरण देखते हैं, शरद पूर्णिमा के संदर्भ में जब उनका वर्णन कृष्णा जी करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात पिंड के कच्चे कोठे चम चम
चमकने लगे, दमकने लगे, चांदनी ने सजरी पिलाई आदि आदि। उसमें एक और बात है कि पंजाबी भाषा के इस लोक रंग को कहीं कहीं बड़ी सृजनात्मकता के साथ हिंदी में परोसा गया है, ढाला गया है। जैसे त्रिजन के समय का यह लोकगीत, त्रिजन जो त्योहार में मनाया जाता है, पंजाब के एक त्योहार है, उड़ी बिन पिंजन के सा, चरखे बिन त्रिंजन के सा। पंजाब में त्रिंजन में गांव की लड़कियां इकट्ठी होकर चरखा काटती और गीत गाती हैं। त्रिंजन में हिंदू सिख मुसलमान समुदाय की सभी स्त्रियां समान रूप से हिस्सा लेती हैं। यही पंजाब की साझी संस्कृति है, जिसके आधार पर जिंदगीनामा उपन्यास आपके सामने है। त्रिंजन के साथ ही लोहड़ी के गीत भी सांस्कृतिक सौंदर्य से भरपूर है। लोहड़ी पर जिन घरों में 1 साल के अंदर लड़कों का जन्म हुआ है, उनसे लोहड़ी के रूप में गुड़ मिठाई उपले आदि मांगे जाते हैं। और उस संदर्भ में ये गाना भी बहुत प्रसिद्ध है, गीत भी बहुत प्रसिद्ध है। आएगी भाई आएगी, इस बार लोहड़ी आएगी, आने वाली लोहड़ी पर सानों की माँ गोंदी में बचड़ा खिलाएगी। ये जो है आंचलिकता की पूट है, आंचलिक भाषा का रूप है। भाषाई लोक रंगत या स्थानीय स्पर्श के समुचित विनियोग से उपन्यास में परिवेश को जीवंत जीवंतता मिली है। जहां कहीं कोर्ट कचहरी या पुलिस प्रशासन का मामला है, वहां भी लेखिका ने कचहरी की उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है। जैसे कि भरजाई, भरजाई यानी भाभी, बड्डा यानी बड़ा, गांव के लिए पिंड, आंगन के लिए बेहड़े, जूते के लिए छित्तर, हंसी के लिए हंसा आदि। जैसे रोशनी के लिए चानना, अगर या यदि के लिए जेकर आदि शब्द का प्रयोग करके उन्होंने अपनी आंचलिक भाषा का प्रयोग, आंचलिक भाषा प्रयोग का परिचय दिया है। अब देखिए, भाषा के संदर्भ में एक बहुत सी सुंदर बातें कही जा सकती हैं कि भाषा एक रहस्यमयी देवी है। भाषा विज्ञान के संदर्भ में ये परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है, जो बताती कम है छिपाती अधिक। लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि इस भाषा के आंतरिक पक्ष के संदर्भ में कृष्णा जी ने ऐसा चित्रण किया है कि जैसे कबीर को वाणी का डिटेक्टर माना जाता था, उस प्रकार जिंदगी नामा के संदर्भ में हम आंचलिक भाषा, पंजाब की जो आंचलिक भाषा है, उस संदर्भ में कृष्णा जी को वाणी की डिक्टेटर मान सकते हैं। कृष्णा जी वाणी की डिक्टेटर है ही। और कुल मिलाकर जिंदगीनामा उपन्यास का भाषा सृजन रचना के परिवेश चित्रण के अनुकूल हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि उपन्यास में चित्रित परिवेश एक गहरे स्थानीय स्पर्श और रंगत के सांस्कृतिक रूप को अभिव्यक्त करने वाला है, इसीलिए उसी के अनुरूप लोक रंगत से सराबोर भाषा का विशिष्ट स्वरूप को लेखिका ने, कृष्णा जी ने सबके सामने रखा है, जिसके कारण आज इस उपन्यास की प्रसिद्धि बहुत अधिक है। इसकी चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, और यहाँ तक कि आज पीजी के पाठ्यक्रम में इसे सम्मिलित कर दिया गया है। इसी के साथ ये ई क्लासेस जो है जिंदगी नामा को लेकर जो है ये 2 इकाई समाप्त होती हैं। कुल मिलाकर जो 4 इकाई थी ये समाप्त हो गई है, और आगे की कार्रवाई के लिए मैं अभिषेक जी से अनुरोध करता हूँ, जो उनकी आज्ञा होगी उसी के अनुरूप हम कार्य को या इस क्लास को गति प्रदान करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लगातार आपकी बातों को सुना। उम्मीद है कि विद्यार्थियों ने कुछ समझ में आया होगा और उनके जो भी जागरूकता, जो भी प्रश्न है, विद्यार्थियों से कहूंगा कि वो चैट बॉक्स के माध्यम से निरंतर लिखे, या अगर चैट बॉक्स के माध्यम से लिखने में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही हो तो साथ ही साथ अपने माइक को अनम्यूट करके सीधे तौर पर सर के सामने भी अपने प्रश्न रख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सर, कुछ प्रश्न जो है, पहले वो कुछ प्रश्न लेते हैं, उसके बाद फिर विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो लगातार कुछ प्रश्न पूछते रहें। एक प्रश्न जो सबसे पहले विद्यार्थी ने पूछा है, उस प्रश्न को मैं रखता हूँ। वो पूछते हैं कि किस आधार पर हम जिंदगी नामा उपन्यास को एक ऐतिहासिक उपन्यास कह सकते हैं, उनके आधार क्या है? सुनिए, मैंने ऐतिहासिक उपन्यास नहीं कहा,
इस मैंने कहा ये सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास है। सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास का अर्थ ये है कि इसमें एक विशेष कालखंड को लिया गया है। आप देखिए 1907 से लेकर 1914 या 15 तक की जो कथा है, यानी अभिभाजित पंजाब प्रदेश की जो कथा है उसमें ये सम्मिलित है। ये इतिहास की पृष्ठभूमि में रची गई कथा है। जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रचा गया ये उपन्यास है, लेकिन ये सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास है। उसी कड़ी में ये ऐतिहासिक पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक यानी संस्कृति का चित्रण भी हुआ है इतिहास के संदर्भ में। जी सर, जी सर, निश्चित रूप से सर। उन्होंने सर और एक प्रश्न किया है, असित जी ने प्रश्न लिखा है, उन्होंने वो दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं कि रचनाकार के चरित्र सृष्टि और जीवन दृष्टि इसमें क्या संबंध होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हमें उम्मीद थी कि कोई मेरे विद्यार्थी ऐसे सवाल करें। देखिए रचनाकार का जो चरित्र सृष्टि और जीवन दृष्टि, जीवन दृष्टि से ही चरित्र सृष्टि है। आपकी जीवन दृष्टि जैसी होगी, मैंने पहले ही कहा था, आप वैसे चरित्र को उजागर करेंगे। आप देखिए, आप अगर आपने अगर निराला को पढ़ा होगा, निराला के क्रांतिकारी स्वभाव से आप परिचित हैं, तो बादल राग में वो बादल का चरित्र प्रस्तुत करते हैं। निराला क्रांतिकारी हैं, इसीलिए बादल का चरित्र भी क्रांतिकारी है। निराला की जीवन दृष्टि क्रांतिकारी है, इसीलिए बादल का जो उन्होंने जो बादल का चरित्र चित्रित किया है वो भी क्रांतिकारी। आप देखिए और एक चरित्र आप देखिए, होरी। आप होरी को लीजिए, प्रेमचंद। प्रेमचंद आज जिस प्रकार प्रेमचंद पूज्य हैं, जब प्रेमचंद जीवित थे उतने पूज्य नहीं थे। पूज्य नहीं थे मतलब लोग, आज ये भारत की परंपरा है कि भारत नहीं पूरे विश्व की परंपरा ही मानिए, जब हम किसी के बीच नहीं रहते तब हमारी वाहवाही होती है। होरी के चरित्र में जो जीवन दृष्टि है प्रेमचंद की, प्रेमचंद भी उसी प्रकार मार दर दर भटकते फिरे अपने जीवन में, और किसान के माध्यम से, किसान के प्रति उनके जो उनका जो दृष्टिकोण था उन्होंने देखा है, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश में रहते थे। उनके जीवन दृष्टि में किसान की क्या स्थिति है उसे चित्रित किया है। ये उनकी जीवन दृष्टि है, और चरित्र चित्रण जो है उस जीवन दृष्टि की सृष्टि है। यानी एक शब्द में कहें, जीवन दृष्टि बीज है और चरित्र सृष्टि पौधा या पेड़। जी सर, निश्चित तौर पर प्रेमचंद की, क्यों हम लोग हिंदी साहित्य उठा के देखते हैं ऑलमोस्ट सभी की, चाहे बाबा नागार्जुन की बात करें, मुक्तिबोध की बात करें, आज्ञा की बात करें, साहित्य ने उन्हें तब नहीं अपनाया जब उन्होंने साहित्य लिख रहे थे और जो साहित्य के क्षेत्र में थे, उनके जाने के बाद साहित्य ने उन्हें बहुत नाम दिया, आज हम लोग बैठ के पढ़ते हैं, बहुत वाहवाही करते हैं, लेकिन वो दौर था जब गरीबी भुखमरी उन्होंने झेला है। केवल केवल हिंदी साहित्य नहीं, उड़िया साहित्य में फकीर मोहन जी हैं, जी, सर उनका जो यहाँ तक भी कहा जाता है, उनका जो है डाक मुंशी एक कहानी है, उसमें डाक मुंशी जो है वो कोई और नहीं है, उनका बेटा है। इसीलिए मरने से पहले फकीर मोहन ने अपना अपनी प्रतिमा बना ली थी, अपनी स्टैचू बना ली थी, कोई बनाए नहीं ना बनाए। इसीलिए ऐसी स्थिति हर भारतीय भाषा में जी, साहित्य में। बात तो निश्चित है। जी सर, विद्यार्थियों अगर आपके और कोई प्रश्न हो तो आप सर से पूछ सकते हैं, या सीधे तौर पर अपने माइक को अनम्यूट करके भी सर के सामने अपने प्रश्न रख सकते हैं। आपका स्वागत है। एक प्रश्न है सर, और एक प्रश्न विद्यार्थी ने लिखा है, वो लिख पूछते हैं कि जिंदगी नामा में चरित्रांकन में प्रतीकात्मकता का क्या महत्व होता है या क्या महत्व है? देखिए उसमें प्रतीक, मैंने कहा ये कि महाकाव्यात्मक उपन्यास है। महाकाव्य में प्रतीक और बिंब का बड़ा महत्व है। प्रतीक और बिंब, महाकाव्य, पहले महाकाव्य को आप समझ लीजिए,
महाकाव्य में प्रतीक और बिंब का बड़ा महत्व होता है। अगर आपने जायसी को पढ़ा है, जायसी के पद्मावत को पढ़ा है, तो उसमें तन मन और आत्मा परमात्मा की जो बात आती है वो प्रतीकात्मक है। यहाँ जो आप देखते हैं जिंदगी नामा में जो डेरा जट्टा गांव है, वह जो सांझी पंजाबी सांझी संस्कृति का प्रतीक है, यानी उस गांव में पूरा पंजाब प्रांत में जो रीति रिवाज है उसी गांव में भी वही है। यानी पूरी पंजाबी संस्कृति जो सांझी संस्कृति है वो उसी में समाहित है। उसे प्रतीक के उस गांव को प्रतीक के रूप में लिया गया है। जैसे हम इतने लोग तो नहीं जा सकते, मान लीजिए 10-20 लोग हम लड़ते हैं झगड़ते हैं तो एक साथ तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, हमारे लिए हमारा वकील जाता है, वो हमारा प्रतीक प्रतिनिधि बनकर जाता है, यानी हमारी बात रखता है। प्रतीक क्या करता है? प्रतीक का काम है कि वह किसी चीज को प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ डेरा जट्टा गांव पूरी सांझी पंजाबी सांझी संस्कृति को प्रतिनिधित्व करके हमारे सामने आया है, इसीलिए वो प्रतीक है। और प्रतीक से इन्होंने और एक प्रश्न पूछा शायद उसी के साथ जोड़कर, प्रतीक से क्या काम है? प्रतीक कभी कभी ये होता है कि लेखक, मैंने अभी भाषा के संदर्भ में कहा था कि भाषा छिपाती बहुत अधिक है, बताती कम, क्योंकि एक रहस्यमय देवी है। प्रतीक इसीलिए लेखक प्रतीक का सहारा लेता है क्योंकि प्रतीक के कारण उसे बहुत कम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है और पढ़ने वाला उस प्रतीक के सहारे उसे समझ लेता है। जैसे अज्ञेय को लीजिए, अज्ञेय ने अज्ञेय की एक कविता है, उसकी एक पंक्ति है, मौन भी अभिव्यक्ति है। कभी कभी आप अगर मौन में रहते हैं तो भी ये आपकी अभिव्यक्ति मानी जाती है, एक प्रतीक है, मौन भी अभिव्यक्ति है। या फिर सांप के प्रति कविता को लीजिए, उसमें जो कहा गया कि सांप, तुम तो जंगल में रहते हो, तुम तो शहर में नहीं रहते, फिर तुम्हें विष कहाँ से लाए, डसना कहाँ से सिखा, जो बातें कही जाती है, ये क्यों? ये भी प्रतीक है क्योंकि शहर में रहने वाले विषैले स्वभाव के होते हैं, गांव में रहने वाले तो गंवार होते हैं, गांव में रहने वाले का हृदय स्वच्छ निर्मल होता है, उनमें सांप जैसा स्वभाव नहीं है, ये प्रतीक है। उसी इसीलिए साहित्य का प्रतीक का आश्रय लेता है। ये तो भक्ति काल से भी ये परंपरा चलती चली आ रही है। बिना प्रतीक के न कबीर को कुछ कहने का अवकाश मिला, न तुलसी को। प्रतीक का सहारा लेना अनिवार्य है, कृष्णा जी ने लिया। जी सर, धन्यवाद सर। इसी बीच सर विद्यार्थियों ने दो प्रश्न किए हैं जो समान ही है, मैं दोनों को मिला के एक प्रश्न लिखता रखता हूँ आपके सामने। एक विद्यार्थी पूछते हैं महाकाव्य उपन्यास में क्या अंतर है, और इस उपन्यास को जो जिंदगी नामा है इसे महाकाव्य उपन्यास इसे या महाकाव्य से क्यों कह रहे हैं। उनका प्रश्न ये है कि पहले तो अंतर क्या है और जिंदगी नामा को हम लोग महाकाव्य क्यों कह सकते हैं। देखिए महाकाव्य, एक तो उसका अंतर समझ लीजिए। पहले महाकाव्य वह रचना है, महाकाव्य के लक्षण इसकी जब हम चर्चा करते हैं, महाकाव्य में एक नायक होता है जो धीर दत्त होता है, कुलीन होता है, ये पारंपरिक महाकाव्य के नियम है। कुलीन होता है, धीर दत्त होता है, और महाकाव्य में सर्ग का विभाजन होता है, उसका चरित्र उदात्त चरित्र वाला होता है। मैंने ये भी कहा कि ये जो जिंदगी नामा उपन्यास है ये महाकाव्यात्मक उपन्यास है। महाकाव्य और महाकाव्यात्मक, इसके अंतर को समझिए। जैसे आलोचना और आलोचनात्मक, आलोचना और आलोचनात्मक में जो अंतर है वो महाकाव्य और महाकाव्यात्मक में। चूंकि महाकाव्य में क्या होता है ना, किसी एक नायक के संपूर्ण चरित्र चित्रित होता है। इसमें भी हुआ है, इसमें जो देखिए डेरा जट्टा गांव है, जो प्रतीकात्मक रूप में एक चरित्र है वो भी पूरा का पूरा हमारे सामने है। शाह परिवार जो है वो भी हमारे सामने है, जो एक बड़ा बड़ा बड़े शाह जो है वो भी नायक बनकर हमारे सामने है, उनका भी चरित्र हमारे सामने आता है। और महाकाव्य में क्या होता है ना, उस चरित्र, मान लीजिए रावण का चरित्र, रावण को बनाकर कोई महाकाव्य मान लीजिए लिखा गया है या लिखा जाएगा, उसमें उसके
जो द्वंद्व है और अंतर द्वंद्व है, दोनों को उजागर किया जाता है। उसके अच्छे स्वभाव और बुरे वार्ताप दोनों को उजागर किया जाता है। यहाँ भी वही है, यहाँ सहा की चालाकी को भी चित्रित किया गया है और उसके काइयापन यानी किस प्रकार वो विद्रोह दमन करने में भी सक्षम है और किस प्रकार अपने विरुद्ध जो बगावत समाप्त करने में उसे महारत हासिल है, ये सारी चीजें उसमें दिखाई गई है। इसलिए इसे, क्योंकि महाकाव्य के कई गुण, इसमें बहुत सारे गुण, कई नहीं बहुत सारे गुण, सारे गुण नहीं, मैंने सारे गुण नहीं कहा, बहुत सारे गुण इसमें समाहित है, इसीलिए इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है। जी सर, निश्चित तौर पर। विद्यार्थियों, अगर आपके और कोई प्रश्न है तो आप सर के समक्ष रख सकते हैं, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा तो मैंने सर के समक्ष रख दिया। इसके इतर अगर आप लोग कोई द्वंद मन में या कोई प्रश्न हो तो अपने माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर मेरा नाम ग्लोरी है। नमस्ते सर। सर मैं पूछना ये चाहती हूँ कि कोई भी आंचलिक उपन्यास का भाषा जो होती है वो अहम भूमिका निभाती है, तो इसमें जो कृष्ण सोबती जी ने जो भाषा का प्रयोग किया है वो ज़्यादातर पंजाबी, उसमें थोड़ा सा हमें झलक मिलती है ना, ज़्यादातर पंजाबी शब्दों का यूज़ किया गया है, तो ये जो लोग पंजाबी नहीं जानते, जो पाठक इस भाषा से भाषा को नहीं जानते, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होगी उन सारी चीजों को समझना। तो ये इसकी प्रसिद्धि में कहीं ना कहीं पाठकों को पाठकों की इस परेशानी के कारण कोई कहीं ना कहीं प्रसिद्धि में इसकी प्रॉब्लम आई हुई होंगी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे भाषा एक बहुत अहम भूमिका निभाती है और हर एक लेखक यही कोशिश करता है कि पाठकों से ज्यादा जुड़े, तो ये एक प्रॉब्लम रही है, तो सोपती जी ने इस चीज का ध्यान क्यों नहीं रखा? देखिए, दो चीजें आपके प्रश्न में, दो प्रश्न एक साथ समाहित हैं। एक तो है कि इसमें जो आंचलिकता वाली बात है, आंचलिक भाषा का प्रश्न है, इसमें पंजाबीपन ज्यादा है। आपने मैलांचल पढ़ा है, रेणु को पढ़ा है, रेणु के उपन्यास में मिथिलांचल की भाषा है, क्योंकि रेणु मिथिलांचल से रेणु का संबंध था, इसलिए मिथिलांचल की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। कृष्णा जी मूलतः पंजाबी भाषी हैं, मूलतः पंजाबी भाषी हैं, इसीलिए उनके उपन्यास में उन्होंने जब आंचलिकता की कूट लगाई तो उन्होंने पंजाबी भाषा को सामने लाने का प्रयास किया, उन्होंने किया। उसमें दो चीजें आपने कही है, दो बातें पूछी है। एक तो उसमें बाधा नहीं आती क्या? संप्रेषण में बाधा आती है, ऐसा नहीं है कि बाधा नहीं आएगी, बाधा अवश्य आती है। इसीलिए जब मेला, जब जिंदगी नामा की चर्चा होती है, उसमें ये जो पंजाबीपन की बात आती है, ये उपन्यास के, हिंदी उपन्यास के लिए ये उपन्यास का दोष माना जाता है। लेकिन जहां तक आपने ये पूछा कि क्या सर इसे जो पंजाबी नहीं जानते क्या वो नहीं समझ सकते, कुछ हद तक पंजाबी ना जानने वाले भी इसे समझ सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसकी लिपि जो है देवनागरी है। दूसरी बात है, उन्होंने इस प्रकार बिंबों का प्रयोग किया है कि कुछ हद तक आप उसे पढ़ते जाइए, उसे फिर आप समझ जाएंगे। जैसे रामचरितमानस अवधी में है या सूरदास के काव्य ब्रज में है, उसे आप कुछ 1, 2, 5, 10 पन्ने पढ़ जाइए, फिर बातें धीरे 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 कथा आपको समझ में आने लगती है। उसी प्रकार यहाँ भी है, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ दुर्हता है। दुर्हता से कोई हम इनकार नहीं कर सकते, इसमें पाठक की संप्रेषणीयता में बाधा है, यही तो उपन्यास का दोष भी माना जाता है। ये दोष है ही, इसे कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति जो ममत्व है, इसमें ये दिखता है। दूसरी बात है कि जब डेरा जट्टा गांव का चित्रण हो रहा है और उसकी भाषा अगर आंचलिकता न हो, तो जो खूबसूरत
खूबसूरती इसमें दिखाई पड़ती है वो नहीं आती। मान लीजिए कटक का चित्रण हो रहा है और ठेठ कटकी का प्रयोग न हो, या संबलपुरी के किसी गांव का चित्रण हो रहा है और कोसली का प्रयोग न हो, तो परिवेश जीवंत नहीं होता। परिवेश को जीवंत बनाने के लिए इन्होंने ऐसा प्रयोग किया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है एक को साधने जब हम साधते हुए चले जाते हैं, उसके पीछे दो चार अवगुण तो रह जाते हैं। यह उपन्यास का अवगुण ही कहिए जो संप्रेषण में बाधा है, फिर भी इसे छोड़ दें तो उपन्यास में वो खूबसूरती है, पंजाबीपन के कारण ये खूबसूरती आई है। जी सर, निश्चित तौर पर आपने बहुत सही कहा। मैं आपकी ही बात में दो तीन बातें जोड़ना चाहूंगा जो मेरे जीवन के अनुभव के तौर पर जोड़ता हूँ। जैसे बात जब हम लोग कहते हैं मैला आंचल की, जो मैला आंचल के पहले आंचलिक उपन्यास कहते हैं, मैं एक ऐसी जानकारी के तौर पर कह रहा हूँ कि जब हम लोग भी MA स्नातकोत्तर कर रहे थे तो हमारे पाठ्यक्रम में था मैला आंचल, तो बहुतों ने, वो इलेक्टिव पेपर में था तो उसे आप चुन सकते थे, बहुतों ने नहीं चुना है, कुछ ने जो चुना, तो कई बार होती थी ना आंचलिकता, क्योंकि उसकी भाषा जो है बहुत ज्यादा देश है, मतलब वहां की आम गांव की बोलचाल की भाषा है, बहुत लोगों को समझने में दिक्कत होती। चूंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है, या मैं मूल रूप से मतलब बिहार का हूँ, तो कुछ सारी जो नहीं बोलते हैं जो लोक उक्तियां, वो मुझे चूंकि पहले से पता थी और समझ में आती, तो मेरे लिए वो आसान था, और कईयों जो मेरे दोस्त थे उनको कठिन हुआ। तो इससे एक जो प्रश्न जो ग्लोरी जी ने पूछा, पाठकों को निश्चित असर पड़ता है, लेकिन एक चीज है, जब वो धीरे धीरे मेरे द्वारा, जैसे मैंने आपको कभी समझाया कि उसकी पूरी कहानी क्या है, वो कहानी आपको रुचिकर लगी, तो फिर आपने वो किताब उठाया, पढ़ने का कोशिश किया, कहीं कहीं जो शब्द नहीं समझ में आते हैं तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं। हाँ, तो निश्चित हिंदी के अगर हम लोग बात करें जो ठेठ हिंदी में लिखी गई है उसके कंपेयर में इसकी, हाँ, पाठक जरूर हल्के फुल्के कम होते हैं, लेकिन एक चीज है, आंचलिक उपन्यास के जो विषय है ना, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गौड़ विषय लिखे गए, जो कि कई बार होता है कि वो हिंदी को उपन्यास उठाते हैं वहां पे नहीं मिल पाता है। आंचलिक उपन्यास बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को, बहुत महत्वपूर्ण पक्षों को उठाकर लिखा जाता है। जैसे जिंदगी नामा की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जिंदगी नामा निश्चय ही उन्होंने पंजाबी बहुत सारे वर्ड्स का, या पंजाबी प्रोवर्ब का, पंजाबी लोकोक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन उसके अंदर हम देखते हैं धरातल उसका बहुत अच्छा है। जो आज के दौर में अगर आप किसी उपन्यास को उठा कर देखें, जैसे सर ने कहा 1907 से 1915 के बीच के ऊपर मतलब धरातल पर लिखी गई उपन्यास है, उस उपन्यास को आप आज के समय में उठा कर देख लो, जीता जागता सही नजर आता है, आज भी गांव में वही हालत आपको नजर आती है। तो एक चीज से है, ये चीज की पाठकों को जरूर हल्का फुल्का जो प्रभाव देता है, लेकिन एक चीज है उसके विषय बहुत गौण होते हैं जो मैंने देखा है आंचलिक उपन्यासों के। जी एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा अभिषेक जी, जी जी सर, इसमें जब साहित्यकार किसी कृति का सृजन करता है उसके जी अंतर्मन में कई बातें होती हैं। एक तो एक आदर्श पाठक होता जी है, दूसरी है कि स्वांत सुखाय की भावना होती है। यहाँ आदर्श पाठक तो है, साथ ही साथ स्वांत सुखाय की भावना भी है, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित सर। ये उम्मीद जगी है, ये बात आई होगी कि हम ऐसा कुछ करें, ऐसे कृति को दे दें हिंदी जगत को जिससे पंजाबी प्रांत से लोग परिचित हों, जो मेरी निश्चित, अपनी मातृभूमि है। क्योंकि सही सही जननी बात स्वर्गादपि सर, गरीयसी, जननी से, जन्मभूमि से कोई बड़ी नहीं है, इसीलिए कोई बड़ा नहीं है, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। भले ही उसमें संप्रेषणीयता थोड़ी बहुत घटती है, लेकिन खूबसूरती है, ये आप हम लोग सब स्वीकार करते हैं, हर कोई स्वीकार करता है। जी सर निश्चित तौर पर। इसके इतर अगर किन्हीं विद्यार्थियों को कुछ प्रश्न है तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने माइक को अनम्यूट करके आप अपने प्रश्न सर के समक्ष रख सकते हैं। आज असित असित पाणिग्राही जी कुछ नहीं पूछ रहे हैं, नहीं सर, दो तीन हैं? प्रश्न उन्होंने ही पूछा था जो महाकाव्य और उपन्यास में अंतर उन्होंने ही पूछा था। पूछा था लेकिन डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं सामने। और कौन कौन है? आशीष जी हैं? आ नहीं, आशीष जी तो हैं हमारे जानकारी में, आशीष जी हैं, और तो कोई? उन्होंने सर आपको लिखा भी है कि सर का शिक्षण शैली बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से समझाते हैं, उन्होंने आपके लिए लिखा भी है सर यहाँ। आशीष जी, आप शायद संबलपुर, सॉरी ब्रह्मपुर से हैं, पाणिग्राही? मेरी बात अगर पहुंच रही होगी वहां, तो आज मौसम बहुत खराब है, शायद इसीलिए आपने टिप्पणी नहीं की है, मतलब इसमें शायद उनका वहां थोड़ा बहुत हाँ, होंगे।
वो लिख रहे हैं नीचे, उन्होंने अभी मैसेज लिखा है कि आई यूज कंप्यूटर सर, नो डायरेक्टली कनेक्ट टू यू, वो कंप्यूटर से हाँ डायरेक्ट जुड़े हैं जी सर, इस वजह से ये वो तो, माइक को अनम्यूट करके बात नहीं कर पा रहे। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और इसी के साथ जिंदगी नामा की परिसमाप्ति हुई, और जी इस जी जी संकट के दौरान, इस संकट की घड़ी में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय को, क्योंकि देखिए कोई परिकल्पना नहीं कर सकता है इस कि आज कोरोना की इस वैश्विक महामारी के दौर में, जहां लोग घर में बंद हैं, और ऊपर से आज अम्फान का तांडव चल रहा है, इस बीच क्लासेस हो पाना ये दिन में स्वप्न जैसा है। दिन में कभी कभार तो सो जाते हैं तो सपना आ जाता है, लेकिन ये उससे भी कठिन है। लेकिन इस काम को सफल पूर्वक संपादन किया है राजीव मुक्त विश्वविद्यालय ने, और इसका पूरा श्रेय उनकी टीम को है, और हिंदी के जो मेरे मित्र हैं अभिषेक जी उन्हें हैं, उन्होंने इस कार्य को सफलतापूर्वक संपादन किया, संचालन किया। और मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको कोई शंका है इस संबंध में तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपको बिल्कुल ही स्वतंत्रता देता हूं कि मन में कोई शंका लेकर मत जाइए, शंका का निवारण कीजिए, शंका का निवारण अनिवार्य है, नहीं तो ये जहरीला सांप बनकर आपको डसेगा आगे चलकर। कोई प्रश्न जी है? निश्चित, आपको कोई प्रश्न और हो किन्हीं विद्यार्थियों के? जी तो फिलहाल तो कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं। चलिए ठीक है, विद्या जी सर ठीक कहिए। है, तो सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी, आपकी पूरी टीम को भी, और मेरे टेक्नीशियन मित्र देवाशीष जी को भी, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया, जिनके बिना कार्यक्रम संपन्न होना नामुमकिन था, सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं कि इस वैश्विक महामारी से, इस वैश्विक महामारी के संकट से संसार का कल्याण हो, और इस वैश्विक महामारी मानवता के ऊपर जो कहर बनकर आया है वो हट जाए, और विश्वविद्यालय, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय इस तरह आगे अपने कार्य को गति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ रहता हूं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और विद्यार्थियों आपका धन्यवाद कि उन्होंने आपने संयम बना करके इतना समय दिया हमें, और मैं निश्चित आप लोगों से वादा करता हूँ कि एक नए विषय के साथ मैं सर को पुनः लेकर के आप लोगों के समक्ष आऊंगा। सर को इतना जल्दी मैं जाने नहीं दूंगा हमारी क्लास से, क्योंकि सर को सुनना आपके साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज आप सर के सामने ही आप लोगों को कह रहा हूँ कि जल्दी नए विषय के साथ मैं सर को आमंत्रित करूंगा, और सर हमें मना नहीं करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप विद्यार्थियों अभिषेक, को जी सर एक बात है कि मुझे अगर लाएंगे तो मेरे विषय पर लाइएगा, भक्ति, और मुझे जिसमें अधिक रुचि है, भक्ति से संबंधित जो विषय है उसमें मेरा कार्य क्षेत्र है, भाषा विज्ञान है, उसमें अगर आप की उदारता बनी रहेगी मेरे ऊपर तो उसमें मुझे सहूलियत होगी, सुविधा होगी, नहीं तो किसी में मुझे असुविधा नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा सहूलियत होगी, सुविधा होगी। निश्चित तौर पर सर, मैं यहाँ विद्यार्थियों के सामने कहता हूँ अगली क्लास में आपको भक्ति काल के ऊपर ही आपसे मैं करवाऊंगा सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, देवाशीष सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी टेक्निकल टीम का जो लगातार शुरुआत से अंत तक बने रहते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते विद्यार्थियों, भाई, बहुत बहुत जी सर प्रणाम सर। प्रणाम। विद्यार्थी सर, हाँ सर थैंक यू। विद्यार्थियों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, आप लोग चाहे तो अपनी ओर से इस कॉल को समाप्त कर सकते हैं, और आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।